कृपा सिंधु भई बच पतितानंग पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृंदाय तुलसी देवै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतै नमो नमः। जयतां सुरतरु पंगोर मम मंदमतिर्गति मत सर्वस्व पादं भुजो श्री राधा मदन मोहनो दिव्यत वृंदारण्य कल्पतरुमाध श्रीमात रत्नाकर सिंहासनस्थौ श्री श्री राधा श्री गोविंद देवौ पृष्ठालिभि सिद्धमान स्मरामि श्रीमान रासरसारंभि बंसीवटतटस्थित कर्षण वेणुस्त निर्गोपी गोपीनाथ श्रीअस्तु न वृंदाय तुलसी देवै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। करताल है गुरुदेव कृपा बिंदु दिया कराय दासी त्रिनापेक्षा अति हीन। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करय दासे त्रिनापेक्षा अति हीन। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करय दासे त्रिनापेक्षा अति हीन। कृपा बिंदु दिया करय दासे त्रिनापेक्षा अति हीन। सकल सहने बल दिया करा सकल सहने बल दिया करो सकल सहने बल दिया करा सकल सहने बल दिया करो निज माने स्प्रियाहीना निज माने स्प्रियाहीना। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करय दासे त्रिनापेक्षा अति हीना। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करय दासे त्रिनापेक्षा अति हीना। सकले सन्मान करिते सकति देहनाथ जथा जत सकले सन्मान करिते सकति देहनाथ जथा जत अमित बेत गाइब हरि नाम सुखे तबेत गाइब हरि नाम सुखे। गुरुदेव तबेत गाइब हरि नाम सुखे तबेत गाइब हरि नाम सुखे। अपराध हवे हात अपराध हवे हात। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया
करे दासे ऋण अपेक्षा अति हीन गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करे दासे ऋण अपेक्षा अति हीन आ कब है न कृपा लभी आए जन कब है न कृपा लभी आए जन हितार्थ है वे नाथ हितार्थ है वे नाथ शक्ति बुद्धि हमी अति दी शक्ति बुद्धि हमी अति दी शक्ति बुद्धि हमी अति दीन शक्ति बुद्धि हमी अति दीन करम रे आत्मसात गुरुदेव करम रे आत्मसात गुरुदेव कृपा बिंदु दिया कर दासे ऋण अपेक्षा अति हीना गुरुदेव कृपा बिंदु दिया कर दासे ऋण अपेक्षा अति हीना योग्यता विचारे किछु नाही पाई 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 तुम्हार करुणा सार तुम्हार करुणा सार करुणा नाहले कांदिया कांदिया करुणा नाहले कांदिया कांदिया गुरुदेव करुणा नाहले कांदिया कांदिया करुणा नाहले कांदिया कांदिया प्राण नाराखीवार गुरुदेव प्राण नाराखीवार गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करे दासे ऋण अपेक्षा अति हीना गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करे दासे जय गुरुदेव जय गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव बाग करो ना करो वैष्णव गोस्वामी हे बाग करो ना करो वैष्णव गोसाई बार करुणा करो वैष्णव गोसाई पतित पवन तुम विनके हो नाय पतित पावन तुम विनके हो नाय करो
वैष्णव गोसाई मारा करुणा करो वैष्णव गोसाई हो पतित पावन तुम विनके गुनाय पतित पावन तुम विनके निकते गेले पाप दुरे जाय पाप दुरे जाय कहर निकते गेले पाप दुरे जाय कहर हे मन दयाल प्रभु के बको हे मन दयाल प्रभु के बको टपा करो गंगा परस होले बसत गंगा परस गंगा परस होले पश्चात पवन गंगा परस होले पश्चात पवन दर्शन पवित्र करो हे तुम्हारा दर्शन पवित्र करो तुम्हारा करो ना करो वैष्णव गोसाई करो हो हगी तने अपराध तारे हगी ना हो हगी तने अपराध तारे हगी ना तुम सने अपराध नहीं कोई तुम सने अपराध नहीं कोई हो तुम सने अपराध नहीं कोई हो तुम रही दय सदा गोविंद विश्राम तुम रही दय सदा गोविंद विश्राम गोविंद कहे नम वैष्णव परा गोविंद कहे नम वैष्णव परा गोविंद कहे नम वैष्णव परा प्रति जन्म कोरी आशा जगन रो भूली प्रति जन में भोगी जगन रोली प्रति जन में भोली
नरोत्तम कह गो दया अपना बोली नरोत्तम कह गो दया अपना बोली भगत करुणा करो पतित पवन तुम बिन के पतित पवन तुम बिन के हे भगवान करो दया पति पावन वैष्णव ठाकुर हे भगवान करो दया पति पावन वैष्णव ठाकुर हे भगवान हरि नामे रुचि दिया हे भगवान करो दया हरि नामे रुचि दिया हे भगवान कर दया पर क्षमा करो हे भगवान करो दया पराधी क्षमा करो हे भगवान कर दया सेवाय अधिकार दिया हे भगवान करो दया सेवाय दिया हे भगवान बोलो पतित पावन वैष्णव ठाकुर ओ है भगवान करो दया बोलो हगी नाम है गुच्छी दिया है बागा माता को दया हो राधा नाम है गुच्छी दिया है बागा माता को दया हो या बागा दाचा मा करो है बागा मा करो दया जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव वैष्णव ठाकुर हे बामो गे कृपा करो वैष्णव ठाकुर जय जय गुरुदेव 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 जय जय प्रभुपाद 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 गोविंद हरि बोल ओ हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल
ಭಜ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ದಯಾಲ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರ ಭಕ್ತ ಬೃಂದ ಭಜ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀಯದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರ ಭಕ್ತ ವೃಂದ ಶ್ರೀಯದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರಾಂಗ ಬಲಿತೆ ಹವೆ ಉಲಕ ಸಾರೀರಾ ಗೌರಾಂಗ ಬಲಿತೆ ಹವೆ ಉಲಕ ಸಾರೀರಾ ಹರಿ ಹರಿ ಬಲಿತೆ ಜನ ಬಾಬನೀರಾ ಹರಿ ಹರಿ ಬೋಲೀ ಜನ ಬಾಬನೀರ ಕಾಬನೀ ತಾಯಿ ಚಂದೆ ಕರುಣಾಯೇ ಆರ್ ಕಾಬನೀ ತಾಯಿ ಚಂದೆ ಆರ್ ಕಾಬನಿ ತಾಯಿ ಚಂದೆ ಕರುಣಾಯ ಆರ್ ಕಾಬನಿ ತಾಯಿ ಚಂದೆ ಕರುಣಾಯ ಸಂಸಾರ ವಸನ ಮೋರ ಕಬೆ ತೋ ಚಹಾವೆ ಸಂಸಾರ ವಸನ ಮೋರ ಕಬೆ ತೋ ಚಹಾವೆ ಅಭಿಷಯ ಛಾಡಿಯಾ ಕಬೆ ಶುದ್ಧ ಹವೆ ಮಾನ ಅಭಿಷಯ ಛಾಡಿಯಾ ಕಬೆ ಆರು ಪರ ಘುನಾಥ ಪದೆ ಹೈವೆ ಆಕೋತಿ ರೂಪರ ಘುನಾಥ ಪದೆ ವೈವೆ ಆಕೋತಿ ಆರು ಪರ ಘುನಾಥ ಪದೆ ಹೈವೆ ಆಕೋತಿ ರೂಪರ ಧುನಾಥ ಪದೆ ಹೋಯ್ ಬೇಕೂತಿ ಆ ಕವಿ ಹಾಮ ಬೋಜವತೆ ಯುಗಲ ಪ್ರೀತಿ ಕವಿ ಹಾಮ ಬೋಜವಸೆ ಯುಗಲ ಪ್ರೀತಿ ಆರು ಪರ ಗೋನಾಥ ಪದೆ ರಾಹು ಕುಮಾರ ಆಸ ರೂಪರ ಗುಣಾಥ ಪದೆ
प्रभु मोर आशा रूप रघुनाथ पादे प्रभु मोर आशा रूप रघुनाथ पादे प्रभु मोर आशा नरोत्तम दास प्रार्थना करोए सदा नरोत्तम दास अब प्रार्थना कराए सदा हे अधम दास प्रार्थना करोए सदा गौरांग बलिते अवे फूल का शरीरा हरि हरि बोलिते नयन बागनीरा गौरांग बलिते अवे फूल का शरीरा हरि हरि बोलिते न जने जय सचिनंदन जय गौर हरि सचिनंदन जय गौर हरि जय सचिनंदन जय गौर हरि सचिनंदन जय गौर हरि जय सचिनंदन जय गौर हरि सचिनंदन जय गौर हरि जय सचिनंदन जय गौर हरि सचिनंदन जय गौर हरि नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल Fala quem disse. Megau? Megau? Gau. Radha Krishna Pranmur, Jugal Kishore. Bladzijde 123. We gaan altijd uit van het nieuwste boek. Radha Krishna Pranamura, Jugal Kishore. जीवाने मराने गति आर नहीं मोरा राधा कृष्ण प्राण जुगाल किशोरा जीवाने मराने गति राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोरा जीवने मरने गति आर नहीं मोरा राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोरा जीवने मरने गति आर नहीं मोरा कालिंदर कोले खेली कदम्बेर रतन बेदीर पोषाब दुजाना आंदेर कुले खेली कदम्बेर रतन
ಶ್ಯಾಮಗೌರಿ ಅಂಗೇ ದಿವ ಚುವ ಚಂದನೇರ ಗಂಗ ಶ್ಯಾಮ ರಘುಲಾಭೋ ಕವಿ ಹಿರಿಭೋ ಮುಖ ಚಂದ್ರ ಶ್ಯಾಮ ಗೌರಿ ಅಂಗೇ ದಿವ ಚುವ ಚಂದನೇರ ಗಂಗ ಗಥಿಯಾ ಮಲತೀರ್ ಮಲಾ ದಿವೋ ಹರ ಗೋಲೆ ಅಧರೆ ತುಲಿಯಾ ದಿವೋ ಕರ್ಪೂರ ತಂಬೂಲಾ ಗತಿಯಾ ಮಲತಿ ಮಲ ದಿವ ದುಹರೆ ತುಲಿಯಾ ದಿವ ಕರ್ಪೂರ ತಂಬೂಲೆ ಲಲಿತ ವಿಶಾಖಾಯದಿ ಜತ ಸಖಿ ವೃಂದ ಅಜ್ಞಾನ ಕೊರಿಬೋ ಸೇವ ಚರಣಾರವಿಂದ ಅಲಲಿತ ವಿಶಾಖಾಯದಿ ಜತ ಸಖಿ ವೃಂದ ಅಜ್ಞಾನ ಕೊರಿಬೋ ಸೇವ ಜಯನಾರವಿಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ದಶರನು ದಾಶ ಸೇವಾಯ ಅಭಿಲಾಷ ಕೋರೆ ನರೋತ್ತಮ ದಾಶ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ಬೋಲೋ ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಾಣ ಮೋರಾ ಜುಗಾಲ ಕಿಶೋರಾ ಜೀವನೆ ಮರಣೆ ಬದಿ ಆರ ನಹಿ ಮೋರಾ ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಾಣ ಮೋರಾ ಯುಗಲ ಕಿಶೋರಾ ಜೀವನೆ ಮರಣೆ ಬದಿ ಆರ ನಹಿ ಮೋರಾ ಜಯ ರಾಧೆ ಜಯ ಕೃಷ್ಣ ಜಯ ರಾಧೆ ಜಯ ಕೃಷ್ಣ ಜಯ ರಾಧೆ ಜಯ ಕೃಷ್ಣ ಜಯ ರಾಧೆ ಜಯ ಕೃಷ್ಣ ಗೀತ ಗೌರ ಹರಿ ಬೋಲ್ ಹರಿ ಬೋಲ್ ಹರಿ ಬೋಲ್ ಗೀತ ಗೌರ ಹರಿ ಬೋಲ್ ಗೀತ ಗೌರ ಹರಿ ಬೋಲ್ ಹರಿ ಬೋಲ್ ಹರಿ ಬೋಲ್ ಜಯ ಜಯ ಗುರುದೇವ್ 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 ಜಯ ಜಯ ಗುರುದೇವ್ ಜಯ ಜಯ ಗುರುದೇವ್ 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 ಜಯ ಜಯ ಪ್ರಭುಪಾದ 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 ಜಯ ಜಯ ಪ್ರಭುಪಾದ ಜಯ ಜಯ ಪ್ರಭುಪಾದ
क्या करेंगे अब भजन एक महामंत्र करके फिर सुनिए बोले जय जय देव हरे भजन नहीं गाएंगे महामंत्र गाएंगे जय जय देव हरे जय जय देव हरे जय जय देव हरे जय जय देव हरे जय जगन्नाथ हरे जय जय देव हरे जय जगन्नाथ हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे बोला हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे बोलो राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे बोल राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 आ गोविंद राधे बोल गोपाल राधे गोविंद राधे बोल गोपाल राधे आ गोविंद राधे बोल गोपाल राधे गोविंद राधे बोल गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हो हरे राम 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 हरे हरे बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Bola Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Ram Ram Hare Hare. Bola Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare. Bola Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare. Bola Hare Rama Hare Rama, Ram Ram Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hari Bol, 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 Hari Hari, Hari Bol, Hari Hari, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Tai Gauranga Jaya, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga Jaya, Nitai Gauranga, Hari Tai Gauranga Jaya, Nitai Gauranga. Nitai Gauranga, Jai Sachinandana, Jai Sachinandana, Jai Sachinandana, Jai Sachinandana, Jai Sachinandana, Jai Hari 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 Radhe Radhe, Ashu Bhavan Me, Radhe Radhe, Radha Radha Me, Radhe Radhe, Amadana Me, Radhe Radhe, Agopulanand Me, Radhe Radhe, Avanti Bhat Me, Radhe Radhe, Jamuna Tat Me, Radhe Radhe, 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 Hari Dev Me, Radhe Radhe, 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 Radhe Radhe,
బలసి వృందావన విహారి లాల్ కీ జై బలసి సచ్చిదానంద గౌర హరి కీ జై బలసి నిత్యానంద ప్రభు కీ జై బలసి గురుదేవ కీ జై సాయి గౌర ప్రేమ ప్రేమానంద హరి 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 ప్రభు ట్రబుల్ ఇదర రగా జో జో ఇచ్చా जो गुरुदेव बुलाएंगे वही बोलना। आज यहाँ बोलेंगे राय रामन संवाद पर बोलेंगे। हाँ हाँ आ जाओ इधर। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी शिव शुभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वृंदाय तुलसी दिव्य प्रियाय केशव शुच कृष्णा भक्ति प्रदेवी सचुच्चे नमो नमः। भक्त्या विहीना अपराध लक्ष्य क्षिप्ताश कामादि तरंग मजय कृपामय त्वं शरणं प्रपन्न वृंदे नमस्ते चरणारविंदम वृंदे नमस्ते चरणारविंदम। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततं जय उदीरिष्यत। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिव सरि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 सर्वप्रथम अल ईयर्स वेलक पैन दन प्रणाम ब्रेंग अन में शिक्षा एंड दीक्षा गुरु महाराज। ओम विष्णुपाद परमहंस परमचारी अस्तोत्र सत श्री श्रीमद भक्ति विदंत नारायण गोस्वामी महाराज। दाना विलक में दंड प्रणाम ब्रेंग अन खहिल गुरु परंपरा मित नाम अद रूप अनु गुरु वर्ग। दाना विलक में प्रणाम ब्रेंग अन आल देवी देवता वैष्णव एंड श्री पूज्यपाद भक्ति विदंत श्रीधर गोस्वा श्रीधर महाराज जी en daarna alle Vaishnavas, Vaishnavis hier die aanwezig zijn, wil ik mijn respect brengen naar gelang van hun bewustzijn. Van harte welkom namens Bhakti Holland. Maharaji, ne adesh diya kuch kehne ke, to kitne logo jo Hindi samajhte hai? Sab koi? Nahi, nahi. Achha, sab nahi samajhte. Kuch logo ne mujhe phone kiya bhai ki aap logon kya prachar kar rahe Hindi mein, mujhe Hindi nahi aata, to Dutch mein bhasha mein baat kijiye. So, we hebben mensen ook die willen ook Nederlands, ze begrijpen geen Hindi. England. So, for the guests, we're going to speak English. I think we should translate later. First of all, welcome. On behalf of Bhakti Holland, Ashok Prabhu, Sridhar Maharaj is here in Holland. So, what we're going to discuss? Wat gaan we bespreken vandaag? Waarom zijn we hier? Why we are here? Why are you coming from Holland here? From UK to Holland? Why? What is important here? He didn't come yesterday, a day before, two, 3 days before Maharaj wasn't here. He came because Maharaj is here. So
What is so important? Wat is belangrijk als een heilige komt uit India? Dan komen andere mensen ook hier. Normaal zien we niet die mensen hier die hier zijn nu. Maar nu zitten ze wel, omdat Maharaj is hier. So, kabhi kabhi kya hota, log nahi aate. Lekin jo sant mahatma aate Bharat se, to log aa jaate. To iska matlab usme kuch mahatva hai. There is something important. What is not there? So, er is iets belangrijk. Als heiligen uit India komen, dan zien we mensen wel hier komen. En dan bellen ze, vragen ze, oh, praat hij in Hindi of gaat hij in Engels praten of in Nederlands? Dus dat betekent voor ons, voor mij is een boodschap, ik moet zorgen dat iemand hier gaat vertalen. Dus als Maharaj gaat straks in Hindi praten, dan heb ik verzoek aan jullie, een van jullie moeten of in Engels of in Nederlands praten. Dat mensen die hier komen, dat ze ook datgene krijgen wat hij in Hindi geeft. Dat is het 90%, maar geef ze ook iets mee. Understand? So, everybody is coming here to achieve something. Some people doesn't understand Hindi. So my request is to devotees, they say translate in Dutch and English so that even they get 90% of the Harikatha. 100% you cannot translate, it's impossible. So what is important in sadhu? Always we hear sadhu sangha, sadhu sangha. Nou, lau matra sadhu sang. Wat? Wat is lau matra? Wat betekent lau matra? Betekent 1/11 seconde. Nou, we zitten al een uurtje hier. We have sitting more than hours here. So lau matra sadhu sang. The shastra scripture is saying lau matra. Dat is 1/11 seconde associatie met een sadhu. Maar wat betekent dat, deze associatie? Deze associatie van 1 seconde of de 1/11 seconde, dat betekent ook helemaal overgeven aan zo'n sadhu. Surrender to the sadhu, listening what he's saying and accepting that. And then that is dan lau matra sadhu sangha. So, iedereen kent deze vers. We kunnen dat als een papegaai reciteren. Maar begrijpen we dat? Sadhu sangha betekent niet alleen als sadhu spreekt hier, maar wat sadhu doorgeeft als in zijn instructies. Dat we dat ook jaren en jaren daarop gaan mediteren. En dat toepassen in ons dagelijks leven. So, first sadhu speak is very good to be here. It's better to understand what he's saying. And the best is to practice what he's saying in your daily life. And that is real sadhu sangha. Not think you come sitting here, oh, Maharaj is come from India. We're going to have fun there and then eat and go home. That is not sadhu sangha, Baba. You just come for enjoyment, pleasure. So you are all welcome to have this pleasure, but take the deep meaning of sadhu sangha. Take the message, what Maharaj is going to speak about, Rai Ramaranda Samvad. So it's very important, Katha. Guru Maharaj has explaining there is going from level, is good. Anything what you're doing is good. But it's better to understand what you are doing. And the best is to make it your own. Je eigen maken. Dus het is goed omdat we hier zijn. Beter is om te begrijpen wat we hier doen. En het beste is toepassen in je leven datgene wat wij hier gaan horen. Maharaj gaat straks praten over Rai Ramananda Samvad. Degene die niet weten, dat is een systematische begeleiding naar de toppunt. We hebben een ladder. Iedereen die waar in welke positie zich bevindt, is goed bezig. Ben je een gezin, ben je een student, ben je een sannyasi, ben je wanpras, je bent goed bezig. Maar daar moeten we ons stijgen. Want we hebben twee vormen van dharma, toch? Nitya dharma en naimitik dharma. Alles wat je doet, moet je begrijpen. Als je praat over dit kledij, dan praat je over niet nitya dharma. Als je praat over sannyasi, dan praat je niet over nitya dharma. Als je praat over wanpras, dan praat je niet over nitya dharma. Als je praat over grihastha, praat je niet over nitya dharma. Dus dat zijn tijdelijke dharma's. Nitya dharma betekent het dharma van de... En wat is dat? Jiva Swarup Hoi Krishna Nitya Das. We weten allemaal en toch komen. Oh, ik ben sannyasi, ik ben brahmachari, ik ben grihastha. Wat voor onzin is dit? Wanneer gaan we hoofdstuk 2 van Bhagavad Gita begrijpen? When we will realize Bhagavad Gita chapter 2.
individual soul always was a soul and always be the soul and the servant. These Naimittic Dharmic people, Nitya Dharma. So Maharaj will speak, he's told me to speak, so I can go continue, but please forgive me, you didn't come to listen to me, we want to listen to Maharaji. So my request to all, listen attentively, and thank you for coming here, giving us the occasion to serving you. Hare Krishna. You know Dutch language? You know? तो तुम प्रभु के पास में अंग्रेजी लोग बैठे अन्य ये हिंदी जानता है हरे कृष्ण तो तुम पीछे चले तुम पीछे चले जाओ इंग्लिश पीपल शुड सीट हियर क्लोज टू प्रभु हां ये सॉल्यूशन इज देयर और नॉट हां ये और जो अरबीस में लोग गाने गाते तो तुम पीछे चले जाओ एंड हिंदी नेदरलैंड्स एंड आफ्टर एंग्लिश स्टार एंड शी मेक्स नेक्स्ट टाइम वी ट्रांसलेट इट शी मेक्स हरे कृष्ण हरि बोल हरे कृष्ण ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै ऐष्टदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्नि गौरतुषे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाय तुलसी देवै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतई नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 लाउडली बोला हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोदर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोदर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहनी सभी के चरण में यथा योग्य प्रणाम करता हूँ आज हम लोगों का बहुत ही अच्छा दिन है इसलिए श्री शंकर जी पार्वती को कहते हैं बोले पार्वती ये जीवन में अभी हमारे प्रभु जी बता रहे थे ना राधा रमण प्रभु जी
సాధుసంగ సర్వశాస్త్రికాయ లవమాత్ర సాధుసంగే సర్వసిద్ధి ఆయ్. ఇలా శంకర్ జీ పార్వతి కోతే బలె పార్వతి జగత్ మే సబ్ చీజకి సులభ హై, లేకిన్ పార్వతి ఏక చీజకి బడీ దుర్లభ హై. తా పార్వతి కహతీ హై ప్రభు కిస్ చీజకి జగత్ మే దుర్లభ హై. శంకర్ జీ కహతే పార్వతి బలె సత్సంగతి దుర్లభ సంసార ఇమి సదండ భర ఏ కౌబారా. बोले पार्वती जीवन में जो साधु संघ है पार्वती, बड़े किस्मत वालों को ये साधु संघ मिलता है. पार्वती बोले प्रभु आप बताया सत्संग दुर्लभ. बोले दुर्लभ का देखो सुलभ है ना. भक्त लोग आ रहे हैं, इंटरनेट में दिए होंगे, सबको बोले होंगे आओ आओ साधु संघ हरि कथा होगी. शंकर जी कहते हैं पार्वती ये तो सबके सब करेंगे, लेकिन आभत यही सरती कठिनाई राम कृपा बिनु आई न जाई. शंकर जी कहते पार्वती आभत यही सरती कठिनाई, ये साधु संग में आना बड़ा कठिन है. आप जाओ किसी मॉल में देखो भीड़ मिलेगा, शराब दुकान में देखो भीड़ मिलेगी, सिनेमा में देखो भीड़ मिलेगा, किसी मेला में चले जाओ सब जगह में देखोगे एकदम भर्ती पैक कब मिलेगा. कोई हीरो आ जाए देखना, कोई हीरोइन आ जाए, हाँ इंडिया से कोई शाहरुख खान आ जाए, नहीं तो वहां से अमिताभ बच्चन आ जाए, देखना किसको बुलाने का जरूरत नहीं. वो हजार हजार लोग अपने आप वहां पर सबके सब पहुंच जाएंगे. लेकिन शंकर जी कहते हैं हाँ हाँ पैसा भर कर जाएंगे. इसलिए शंकर जी कहते पार्वती आप यही सारा अति कठिनाई, लेकिन जहां साधु संग हरि कथा हो पार्वती, बड़ी कठिन से कोई व्यक्ति आते हैं. बोले जब तक भगवान की कृपा नहीं हो तब तक ये हरि कथा साधु संग में कोई आ ही नहीं सकते हैं. बोले फिर ये साधु संग में कब आते हैं, ये हरि कथा सुनने के लिए जीव कब आते हैं? तब कहते हैं बोले अति हरि कृपा जा पर होई पाप देही संगत सोई. कहते पार्वती जब किसी जीव को ऊपर में अति हरि कृपा, भगवान की कोई विशेष कृपा जब जीव को ऊपर में होती है, तब भी जीव को ये सत्संग प्राप्त होता है. न तो जीव सत्संग में आना बड़ा कठिन है. इसलिए महाप्रभु कहते हैं ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता जी. इसलिए महाप्रभु कहते हैं रूप ये ब्रह्मांड भ्रमण करते 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 कोई जो विरल व्यक्ति, बड़े सौभाग्यवान व्यक्ति को जीवन में ये साधु संग की प्राप्ति होती है. इसलिए समझो आज हम लोगों का बहुत भाग्य है जो कि हम सबके सब आज हरि कीर्तन हरि कथा में हम सबके सब यहाँ पर पहुंचे हैं. हाँ, इसलिए ये कथा सुनने के लिए शंकर जी कहते हैं पार्वती. बोले पार्वती जानते हो मैं कितना कष्ट करता हूँ कथा सुनने के लिए. पार्वती बोलते प्रभु आप क्या करते हो? कहते अगर मेरे को पता चले कहीं सत्संग हरि कथा हो रही ना, मैं कैलाश छोड़ करके अगस्त ऋषि को पास में आता हूँ. कितनी दूरी से सफर करता हूँ, कहाँ कैलाश और कहाँ पर ये मर्त्य जगत, कहाँ गोदावरी नदी, बड़ी दूर से मैं सफर करके कथा सुनने के लिए आता हूँ. हाँ, इसलिए यहाँ पर शंकर जी कहते पार्वती अगर भावना हो ना, भले ही जितने दूरी क्यों नहीं हो हम वहां से आ जाएंगे. अगर भावना नहीं हो तो ये आस पास का व्यक्ति भी नहीं आए, लेकिन आप लोग बड़े दूर दूर से आए हो. इसलिए कहते जीव को ऊपर में भगवान की कृपा से ही ये साधु संग प्राप्त होता है. अभी प्रश्न है बोले भाई अति हरि कृपा जा पर हो, जिसको ऊपर में ठाकुर का विशेष कृपा हो
तभी जीवन में साधु संग मिलता है। बोल भैया अति हरि कृपा किया है, कहते भगवान की विशेष कृपा क्या है, ये साधु संघ की इतने क्यों महिमा, क्या कारण है ये साधु संघ की इतने महिमा की। देखो आपको छोटी सी एक स्टोरी सुनाता, एक स्टोरी सुना। कहते साधु संघ इतना क्यों महत्वपूर्ण है, हमें साधु संघ से क्या मिलता है। बोले एक समय कोई एक राजा था, और राजा के घर में कोई संतान नहीं, इसलिए राजा बड़ा दुखी है। अभी बहुत कष्ट से राजा को एक संतान मिला, लेकिन जब संतान मिला, जब बच्चा थोड़ी से बड़ा हुआ, वो क्या कुछ गुंडों ने, कुछ डाकुओं ने वो बच्चे को किडनैप कर लिया। जब किडनैप कर लिया राजा तो बड़ा दुखी, घर में संतान थी नहीं, ठाकुर को कृपा से एक संतान मिली, सो कहीं वो किडनैप हो गया, बड़ा दुखी है राजा। एक समय कोई एक साधु आया, बोले महाराज सब कुशल मंगल है। बोले क्या कुशल मंगल, संतान घर में थी नहीं, ठाकुर का आशीर्वाद से हमें एक संतान मिला, तो पता नहीं ये कहाँ किडनैप हो गया, गुंडे बदमाशियों ने ये बच्चे को कहीं किडनैप कर लिया, हम तो बड़े दुखी है। लेकिन ये जो साधु, वो बहुत बड़ा पहुंचा हुआ साधु, ऐसे तैसे साधु नहीं था, बड़ा त्रिकाल दृष्टा साधु। बोले मैं देखता हूं तेरा बच्चा कहाँ है। तब उन्होंने ध्यान लगाए, बोले हाँ तुम्हारा बेटा ठीक ठाक है, तुम्हारा बेटा है वो ठीक ठाक है। बोले कहाँ पर है। बोले अभी बताओ, अभी मैं बेटे को ले आता हूं। बोले देखो अगर तुम बेटे को ले भी आओगे ना, वो तुमको पिता रूप में स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि जिस गुंडों ने उसको उठा करके ले गए, किडनैप किया है, वो कह रहे हैं हम तुम्हारी पिता माता है, और ये छोटा सा घर ही तुम्हारा घर है, क्योंकि बचपन में उसको उठा करके ले गए, इसलिए वो तुमको संपूर्ण भूल बैठा है, और ले भी आओगे तुमको नहीं मानेगा। बोले फिर अगर आपका आदेश हो, मैं पहले जा करके उसको समझाता हूं तुम्हारी असली पिता माता कौन है, अगर ये समझ गया ना, फिर अपना बेटे को फिर वापस ले आओ। बोले बाबा बड़ी कृपा होगी, ये काम को कर दो। तब वो संत गए, वो बच्चे को अकेला भाकर, बोले इधर आ। बोले तेरे पिता माता कौन है। बोले ये सब जितने गुंडे थे ना, बोले ये सब मेरे पिता माता है। बोले तुम्हारी घर कहाँ। वो छोटा सा घर में रहते थे। बोले ये मेरा घर है। तब वो संत समझाया, देखो तेरे को मैं एक रहस्य बात बता रहा हूं, ये तेरे घर भी नहीं और ये तेरे पिता माता भी नहीं। बोले अब कैसे बता रहे हो, बचपन में मैं यहीं पर रह रहा हूं, यही मेरा घर है, यही मेरे पिता माता, बचपन में मैं इन्हीं को देखता हूं। बोले तो यही तो मैं बता रहा हूं, तू जो है ना, ये देश का जो राजा और रानी, ये तुम्हारे पिता माता है, और जो राज महल वो तुम्हारी घर है, लेकिन जब तुम छोटा बच्चा था, इन लोगों ने तुमको किडनैप कर लिया, और किडनैप करके तुम्हारी असली पिता माता का परिचय तुमको बता ही नहीं रहे, असली तेरे घर की बात तुम्हें बता ही नहीं रहे, ये देश का राजा रानी तुम्हारी पिता माता, एक दिन तुम ये देश का राजा बनने वाले हो, और तुम्हारे जी घर है ना राजमहल, जहां पर सुंदर, यहाँ पर तो कोई ऐसी नहीं है, यहाँ पर तो बड़े दुख से रह रहे हो, दुख से खा रहे हो, वहां पर तो एकदम चकाचौंध, तो तुम्हें राजमहल घर है। जब समझाए फिर बोले तुम अपना पिता माता के पास में जाना चाहते हो। बोले आपकी बड़ी कृपा होगी अगर व्यवस्था कर दोगे तो। बोले ठीक है मैं जा करके तेरे पिता माता को समझाता हूँ। फिर वो साधु आया, राजा को बोले मैंने सब ठीक कर दिया है, तेरे बच्चे को हमने समझा दिया, अभी जाओ अमुक स्थान पर तुम्हारे बच्चा है, ये गुंडे को बीच में आक्रमण करो, गुंडे बदमाश को मार मार कर जेल में बंद करो, और अपना बच्चे को वहां से ले आओ। वहां पर राजा गया और जितने गुंडे बदमाशों को जेल में बंद करके अपना बेटे को ले आया। देखो कदी जो कथा है, ये सब हमारी जीवन की कथा है, हम लोग कौन है, इसलिए वेद में बताया हम साधारण नहीं, बोले अमृतस्य पुत्रा, वेद कहता है हम अमृत के पुत्र हैं, जिसको कृष्ण गीता में कहते हैं ममई बांस जीव लोके जीव भूत सनातन,
कहते जीव है कृष्ण कहते हैं सबके सब तुम मेरे संतान हो, जिसको कृष्ण गीता में कहते हैं पिता अहम अस्य जगत धाता माता पितामह। कृष्ण कहते हैं अर्जुन ये विश्व ब्रह्मांड का पिता माता भाई बंधु मैं हूं, इसलिए हिंदी में कहते हैं ना तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव तुमेव विद्यांग द्रविण तुमेव तुमेव सर्वम मम देव देव। हम कहते हैं ना ठाकुर ही हमारा पिता माता भाई बंधु सब ठाकुर ही हमारा है हाँ? लेकिन अभी क्या हुआ हम सब किडनैप हो चुके हैं हम सब के सब किडनैप हुए हैं हाँ? सारे के सारे किडनैप है। बताओ संसार में आपको अभी तक किसने बताया है तुम हमारी संतान नहीं, तुम तो संतान ठाकुर जी का हो, अभी तक किसने आपको बताया संसार में हाँ? और संसार का व्यक्ति तुम्हारे तुम्हारे पिता माता ने कभी भी तुम्हें बताया भैया हम तुम्हारे पिता माता नहीं, तुम्हारे पिता माता तो ठाकुर है, किसने अभी कहा है? कोई नहीं कहते, सब कहते मैं तेरे पिता हूँ, मैं तेरे माता हूँ, मैं तेरा भैया हूँ, मैं तेरा चाचा हूँ, मैं तेरा हाँ पापा हूँ, मैं सब मैं करते हैं संसार में, सारा दुनिया कहते हम ही तेरे पिता माता भाई बंधु है, इसलिए हम सबके सब किडनैप हुए हैं हाँ, असली हमारी परिचय कोई हमें दे ही नहीं रहे हैं। इसलिए भागवत में एक श्लोक आया है वो कहते हैं स्वजनाख्य दस्यु, ये प्रथम स्कंध में आता है, कहते जिसको अपना स्वजन कह रहे हैं ना, जिसका परिवार कह रहे हैं, कोई परिवार नहीं सब दस्यु, दस्यु मतलब डकैत, ये सबके सब डाकू है, ये भागवत का श्लोक है, कहते जिसको हम स्वजन कहते हैं संसार में अपना पुत्र परिवार कहते कहीं नहीं, कहते ये सबके सब डाकू है। बोले डाकू क्या करता है? बोले सारे धन दौलत को लूटता है, सारे संपत्ति को वो लूटते हैं, लेकिन इस संसार बारे हमारे सब लूट रहे हैं, क्योंकि हम जो अपना जो एनर्जी है, कृष्ण कहते हैं ना मनमना भव मद भक्त भव माम जाजी माम नमस्कुरु, कृष्ण गीता में कह रहे बोले हे अर्जुन मन और किसी को मत दिया करो, मन केवल मुझे ही दो। मद भक्त भव, कृष्ण कहते हैं भक्त बनना तो केवल मेरा ही भक्त बनो, माम जाजी पूजा करना तो केवल मेरी पूजा करो, माम नमस्कुरु नमस्कार करना तो केवल मेरे को ही नमस्कार करो। तब कृष्ण कहते माम एससी, फिर तू मुझे ही प्राप्त करोगे, अजत गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम, जहां पर जीव जाने पर फिर दोबारा संसार में आना नहीं पड़ता है। लेकिन हमारे जितने एनर्जी कौन ले रहे हैं संसार में, बेटा बेटी नाती पोती पुत्र परिवार में सारे एनर्जी हमारी वहीं जा रही है, इसलिए जैसे डाकू सब कुछ हड़पते हैं, हम भी सारे एनर्जी संसार में दे करके सब के सब हमारे हड़प रहे हैं। जो प्रेम करनी चाहिए भगवान को सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, भगवान के चरण में शरणागत होनी चाहिए, लेकिन हमने ये दुनियादारी को दे दिया, सब संसार में दे दिया सारे, इसलिए सबके सब दस्यु है। लेकिन हम सबके सब दस्यु का अंदर में तो घिरे हुए हैं, लेकिन हमें अपना परिचय कौन बताता है? जैसे वो साधु जा करके समझाया वो बच्चे को, बोले भैया ये कोई तुम्हारी पिता माता नहीं है, तुम्हारी जो पिता माता है ना तो अमृत सपुत्र हो, तुम तो ठाकुर के संतान हो, लेकिन ठाकुर को भूलने का वजह से तुमने ये संसार में आ गया और माया में तुम बंधे पड़े हुए हो हाँ? इसलिए कहते तुम जाओगे अपना पिता माता के पास? बोले हाँ हम तो जाना चाहते हैं। कहते अगर जाना चाहते हो ना क्या करो? बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए हमारे भक्त विनोद ठाकुर कहते हैं बोले जीव जाग गोरा चांद बोले कत निद्रा जाओ माया
पिसाची रकोले भाजी बबली आए से संसार भितरे बोलिया रहिले तुमी अविद्यार भोरे तोमारे लईते आमी हैनु अवतार आमी बिना बंधु बोल के आछे अमार एने छे औषधि माया नासिवार लागे हरि नाम महामंत्र लह तो मिमागी। इसलिए ये भजन में चैतन्य महाप्रभु कह रहे बोले भाई जगो कब तक सोते रहोगे, बहुत तुमने माया की नशा में बहुत सो गए हो, तुमको लेने के लिए हम आया हूँ, इसलिए मैंने बढ़िया दवा लाया हूँ तुम्हारा लिए। बोले कौन सा दवा लाए हो? बोले ये हरे कृष्ण महामंत्र लाया हूँ। अगर ये हरे कृष्ण महामंत्र को अगर हम जप करेंगे ना, बस बैक टू गॉड हेड, फिर अपना घर में वापस चले जाएंगे। इसलिए जो बताया ना साधु संग सर्व शास्त्र कहे लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है। इसलिए साधु संघ की इतने महिमा है, क्योंकि साधु संघ में ही हमारी असली जो परिचय है ये साधु संघ में ही हमें प्राप्त होता है। इसलिए साधु संघ की इतने महिमा है। प्लस वृंदावन बिहारी लाल की निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। कहते हरे कृष्ण हमारी, हम आज हम सुनेंगे श्री राय रामानंद संवाद। ये जो राय रामानंद संवाद है, कहते ये चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में ये विषय है। इसलिए गुरुदेव कहते थे जितने हमारे संप्रदाय में ग्रंथ हैं, जितने ग्रंथ हैं, ये चैतन्य चरितामृत ग्रंथ एक अनमोल ग्रंथ है, एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसके लिए प्रभुपाद कहते थे अगर पृथ्वी में जितने सारे ग्रंथ है, अगर सारे ग्रंथ अंतर्ध्यान हो जाए, ये जगत से सारे ग्रंथ चले जाए, ऐसे कौन सा ग्रंथ है जो एक ग्रंथ उस सारे ग्रंथ का जो अभाव को पूर्ण करेगा, ऐसे कोई ग्रंथ है? प्रभुपाद प्रश्न करते हैं उनको, शिष्यों को। कोई कहता है वेद है, कोई कहता है भागवत है, कोई कहता है भगवत गीता है, लेकिन प्रभुपाद कहते नहीं नहीं ये चैतन्य चरितामृत है। वो ऐसे के ग्रंथ हैं, अगर जगत में एक ग्रंथ अगर रहे, सारे ग्रंथ का अभाव ये एक ग्रंथ पूरी करेगा। इसलिए आप चैतन्य चरितामृत ग्रंथों को पढ़ो, ऐसे कोई पुराण नहीं, ऐसे कोई वेद नहीं, ऐसे कोई ग्रंथ नहीं जहां से श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कोटेशन नहीं करते हैं श्लोकों को। हाँ, कभी कभी श्लोक समझना ये सरल होगा, लेकिन कभी चैतन्य चरितामृत को प्यार बंगला भाषा में उसको समझना बड़ा कठिन होता है। उसमें इतने रहस्य और उसमें इतने सारार्थ उसके अंदर में ये छुपा हुआ है। इसलिए गुरुदेव कहते थे जैसे श्रीमद् भागवत ग्रंथ है, कद भागवत ग्रंथ में उसमें जो प्राण क्या है, बोले इसमें रास दशम स्कंध है, बोले दशम स्कंध में इसमें जो रास पंच अध्याय, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं पंच प्राण है, उसमें पांच अध्याय। अगर शरीर है, अगर प्राण नहीं, सब बेकार है। कहते उसी तरह ये चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में उसमें गुरुदेव कहते उसमें पंच प्राण है, उसमें पांच टपिक है जो बहुत महत्वपूर्ण। कहते इसमें एक श्री राय रामानंद संवाद, दूसरा श्री रूप शिक्षा, तीसरा श्री सनातन शिक्षा, चौथा श्री जगन्नाथ जी का रथ यात्रा, और पंचमा जो है जो सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ में महाप्रभु का जो वार्तालाप है। कहते इसमें जो ये पांच टपिक है, कहते समझो ये पंच प्राण है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए कहते उसमें ये पंच प्राण है उसमें, और उसमें जो एक प्राण है ना, कहते श्री राय रामानंद संवाद उसमें एक प्राण है।
इसलिए दो दिन पहले राय रामानंद प्रभु का तिरोभाव, तिरोभाव जानते कि नहीं, उन्होंने इस जगत को जगत से छोड़ करके चले गए। कह देखो वैष्णव लोग बड़े दयालु हुए, अब भगवान कृष्ण राम नरसिंह देव बामन देव इनका केवल एक ही तिथि मिलता है। कौन सा तिथि मिलता है? जन्म तिथि, केवल आविर्भाव तिथि मिलता है। लेकिन जो वैष्णव लोग है ना, उनका साल में दो तिथि हमें मिलती है, एक है जन्म तिथि और एक है उनकी तिरुभाव तिथि। लेकिन ये वैष्णव लोग ऐसे समर्थ है, जैसे हम सुनते हैं ध्रुव महाराज जब ये जगत छोड़ कर गए ना, ये शरीर नहीं छोड़े, वो काल का सर पर पैर रख करके सौ शरीर में वो वैकुंठ विजय किए हैं। मध्वाचार्य जब जगत छोड़ करके जाते हैं, वो ऐतरीय उपनिषद को पाठ कर रहे थे, देवता लोग को पुष्प वृष्टि किया उनको ऊपर में, पुष्प वृष्टि करते 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 शरीर ढक गया, फिर जब खोल कर देखते ना वो है नहीं वहां पर। कहते उसी तरह जो वैष्णव लोग, वो भी इच्छा करने पर ये शरीर उनको छोड़ने का कोई जरूरत नहीं, वो सशरीर में वो वैकुंठ सशरीर में गोलोक वृंदावन जा सकते हैं। लेकिन वो हम लोगों के ऊपर में कृपा करने के लिए उन्होंने दो तिथि रख कर गए, क्योंकि अगर साल में अगर दो तिथि आएगा तो हम क्या करेंगे, वैष्णवों का जीवन चरित्र को सुनेंगे। हाँ, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जब गदाधर पंडित को पास में जाते थे, गदाधर पंडित प्रश्न करते थे, बोले प्रभु आज कौन सा कथा सुनाएंगे, आप क्या कथा सुनना चाहते हो? महाप्रभु कहते थे हमें वैष्णवों का चरित्र सुनाओ, संतों का चरित्र सुनाओ, भक्तों का चरित्र सुनाओ, उनकी चरित्र सुनने पर हमको कैसे भक्ति करनी चाहिए, भक्ति में धीरे धीरे हम अग्रसर कैसे होंगे, ये सब चीज वैष्णव का कथा से ही हमें पता चलता है। इसलिए वैष्णव लोग बड़े दयालु बड़े कृपालु जो हमारे लिए दो दो तिथियों को जगत में छोड़ कर गए हैं। इसलिए कहती ये राय रामानंद कौन है? देखो हम लोग बड़े सौभाग्यवान है, हम लोग बड़े सौभाग्यवान, क्योंकि हम लोगों ने श्री चैतन्य महाप्रभु को धारा में आए। इसलिए श्री भक्ति मनोहर ठाकुर कहते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीव दया करी सपार्षद सियो धाम सह अवतारी अत्यंत दुर्लभ प्रेम करि भारि दान सिखाए शरणागति भकतेर प्रा थोड़ा पानी पिलाए कोई पानी हरे कृष्ण कीर्तन करो जानते हो भजन को पानी पानी है ठीक ठीक दे दे रहे ममता दीदी ओके ओके हरे कृष्ण इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सपार सदस्यो धाम सहबतरी चैतन्य महाप्रभु जीवों को पर में कृपा करके पूरा धाम और अपना पूरा परिकर कहते अपना पूरा निकुंज महल को उन्होंने उतार दिया है, हैं? इसलिए दूसरे दूसरे संप्रदाय में देखो आपको कोई एक वैष्णव का चरित्र एक दो भक्तों का चरित्र सुनने को मिलेगा, लेकिन हमारे वैष्णव जगत में देखो इतने साल में इतने वैष्णव का चरित्र है, जितने सारे महाप्रभु को रोज रोज देखो भक्तों का चरित्र आता है, इनका तिथि है आज, इनका जन्म तिथि आज, इनके तिरुभाव तिथि। नियम है जब जब किसी वैष्णव का कोई जन्म तिथि और तिरुभाव तिथि आए ना, देखो एक ग्रंथ को संग्रह करना, उसका नाम है गौर पार्षद चरितावली। अभी मेरे को पता नहीं अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ कि नहीं, बंगला में ही हिंदी में मिलता है वो ग्रंथ, हिंदी में
बंगला भी मिलता है, इसलिए वो ग्रंथों का आप इंटरनेट में ढूंढ भी सकते हो। अब जरूर जब जब किसी वैष्णव का जन्म तिथि और तिरुवाभ तिथि है, जरूर उनका जीवन चरित्र को पढ़नी चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने यद्यपि वो लोग भगवान के नित्य परिकर है, भगवान के नित्य परिकर है, लेकिन एक साधक जीवन कैसे, एक साधारण साधक धीरे 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 भक्ति जगत में कैसे बढ़ेगा, उन लोगों ने अपना जीवन में आचरण करते हुए उन लोगों ने सिखा दिया है। जब हम उनको जीवन चरित्र को पढ़ते हैं, हमें बहुत कुछ सिखा मिलता है, बहुत कुछ सिखा मिलता है। उन उन तिथि में उन लोगों को कथा को जरूर आप लोगों ने पढ़ा करना ग्रंथ को। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु पूरा धाम परिकरों को लेकर के इस जगत में ये अवतीर्ण होते हैं, और अवतीर्ण होकर के और उन लोगों ने दूसरे दूसरे संप्रदाय में देखना, कोई एक दो ग्रंथ मिलेगा, लेकिन हमारे संप्रदाय में रूप गोस्वामी के देखो कितने ग्रंथ है, श्री जीव गोस्वामी के देखो कितने ग्रंथ है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर देखो कितने ग्रंथ है, रघुनाथ दास गोस्वामी देखो कितने ग्रंथ है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कितने ग्रंथ है, इतने ग्रंथ बना कर गए। अगर रोज रोज अगर आप कोशिश करो पढ़ने के लिए ना, तभी जिंदगी में खत्म करना बड़ा कठिन है। इतने इतने ग्रंथ बना कर गए हैं ये लोग, इतना कष्ट करके तो गए हैं, लेकिन कम से कम हमें ये ग्रंथों को पढ़नी चाहिए। हाँ, ये ग्रंथों को हमें एक बार तो कम से कम पढ़कर देखो हमारे गुरु वर्गों ने हमारे लिए क्या क्या रख कर गए हैं, ठीक है ना। इसलिए कहते श्री राय रामानंद, कहते ये कृष्ण लीला में कौन है, बोले ये कृष्ण लीला में ये विशाखा सखी है। हाँ, जो ललिता विशाखा राधा रानी की जो सबसे दो दो प्यारी सखी में जो विशाखा सखी, ये विशाखा सखी, केवल विशाखा नहीं, इनके अंदर में ललिता का भी कुछ गुण है। और जो अर्जुन है ना, पंच पांडव में जो अर्जुन है, इनके शरीर में अर्जुन भी आए और एक अर्जुना सखी भी है। कहते इतने सारे इनको अंदर में, क्योंकि महाप्रभु का जो भक्त है ना परिपूर्ण, जैसे हरिदास ठाकुर में कौन कौन, हरिदास ठाकुर में कहते ब्रह्मा और प्रह्लाद, ये दोनों हरिदास ठाकुर में ब्रह्मा और प्रह्लाद ये दोनों आए हैं। उसी तरह ये राय रामानंद में ये चार चार भक्त एक साथ में ये राय रामानंद बन करके आए। इसलिए कहते जो राय रामानंद साधारण व्यक्ति नहीं उस समय थे, कहते गवर्नर, वो गवर्नर थे वो उस समय है, और इतने बड़े पोस्ट में थे, साधारण पोस्ट में नहीं थे, और बड़ी सख्यात विशाखा सखी है, इसलिए सख्यात रस स्वरूप उनका अंदर में, पूरा रसी रस उनका अंदर में विद्यमान है। इसलिए श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में आए तो महाप्रभु दक्षिण यात्रा कर रहे थे। हाँ, जब दक्षिण यात्रा कर रहे थे उसी समय ये सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु को बोले, बोले प्रभु आप जैसे रसिक है ना, आप दक्षिण यात्रा कर रहे हो ना साउथ में, वहां पर भी एक भक्त आपके लायक एक भक्त रहता है जिनका नाम राय रामानंद, अब जरूर वो भक्त से मिलना, बड़ा आनंद आपका आएगा। क्योंकि पहले सार्वभौम भट्टाचार्य ज्ञानी था, लेकिन महाप्रभु का आशीर्वाद से जब वो भक्त बन गया, फिर राय रामानंद महिमा को पहले नहीं समझता था, फिर समझे ये राय रामानंद कितने रसिक भक्त श्री राय रामानंद, और ये इतने बड़े भक्त हैं। जब एक भक्त जिसका नाम था तपन मिश्र, ये तपन मिश्र एक दिन चैतन्य महाप्रभु के पास में कथा सुनने के लिए आए, हमें कृष्ण कथा सुना। महाप्रभु बोले देखो अगर तुम कृष्ण कथा सुनना चाहते हो ना जाओ, ये राय रामानंद पास में कथा सुनो। तो वो आए, जब आए तो उसी समय राय रामानंद क्या कर रहे थे, कहते एक जगन्नाथ वल्लभ नाटक उन्होंने लिखे, वो नाटक के ऊपर में जो देवदासी, वो कहते ना जय जय देव हरे, हाँ कहते जो देवदासी, कहते देवदासी कौन है, बोले जो स्त्रियां बचपन से ब्रह्मचारिणी बनकर रहती हैं, हैं और मानती हैं जगन्नाथ हमारी स्वामी हैं और हम उनकी प्रिया हैं, जिंदगी भर जो शादी नहीं करेगा, हैं ब्रह्मचारिणी बनकर रहेंगे
और जगन्नाथ जी को ही अपना पति मानते हैं। कहते ये देवदासी, कहते ये राय रामानंद क्या कर रहे हैं, जो उस कथा सुनने के लिए आए। बोले कुछ काम में बीजी। बोले क्या, कौन सा काम कर रहे हैं। बोले 15-15 साल की लड़कियां, 20-20 साल की लड़कियों को वो अपना हाथों से श्रृंगार करते हैं उनको, और उनको नृत्य सिखा, उनको नृत्य विद्या सिखा देते हैं। कैसे जगन्नाथ जी को सामने जो नाटक लिखे और नाटक को ऊपर में उनको नृत्य सिखाते हैं, और जगन्नाथ जी को सामने वो लोग नृत्य करते भजन गा करके। वो तो कथा सुनने के लिए आया था, उनसे कथा सुनेगा, लेकिन जब देखा ये कैसे साधु कथा सुनेंगे, हाँ 15-15, 20-20 साल लड़कियों को वो श्रृंगार करते हैं और उनको नाचना सिखाते हैं, उनका मन तो खराब हो गया। बोले ये कैसे साधु, बोले हम इनसे कथा नहीं सुनेंगे, जिनका चरित्र ठीक नहीं, जिनका व्यवहार ठीक नहीं, हम कथा। उन्होंने चले गए वहां से, फिर महाप्रभु के पास में गए। महाप्रभु बोले तुमने कथा सुनी। बोले नहीं, मैं आपसे कथा सुनना चाहता हूँ, ये नहीं बताए मैंने, ये बात सुनकर मन खराब हो गया। बोले नहीं, मैं आपसे ही कथा सुनना चाहता हूँ। महाप्रभु बोले देखो, अगर कथा सुनना है ना, तुम फिर वहीं पर जाओ, वहीं जाकर कथा सुनो। फिर जब महाप्रभु का आदेश को पा करके आए, सचमुच से जब राय रामानंद को पास में उन्होंने कथा सुनी, क्या सुंदर, क्यों, वो कौन है, कृष्ण लीला में जो विशाखा सखी है वो कोई साधारण नहीं, विशाखा अनुराधा है। राधा रानी में जितने गुण हैं, कहती है विशाखा में ये सारे गुण विद्यमान है, कृष्ण लीला की सब कुछ जो जानते हैं। इसलिए जब उनको पास में उन्होंने हरि कथा सुनी, कथा नहीं जैसे रस की धारा बरस रही थी, जिंदगी में कभी इतने सुंदर उन्होंने कथा और इतने सुंदर सिद्धांत नहीं सुने। जब उनकी कथा सुने, फिर तो उनके चरण में गिर गए। बोले आपका प्रति तो मेरा भावना बहुत खराब हो गया था, आप मेरे अपराध को माफ कर देना। तो महाप्रभु उनके लिए कहते, बोले देखो राय रामानंद इतने बड़े संत हैं, कहते जो स्त्री का जो मूर्ति होता ना, स्त्री का जो पत्थर का भी अगर कोई मूर्ति हो, बारिश हो रही, इसलिए कहते जो स्त्री का जो स्वरूप है, कहते अगर किसी पत्थर में भी बनी हुई, नहीं तो किसी लकड़ी में बनी हुई अगर कोई स्त्री हो, कहते उसमें इतने आकर्षणीय होते हैं, कहते बड़े बड़े जो ऋषि मुनि लोग भी उसको देख करके मोहित तो हो जाते हैं। लेकिन राय रामानंद वो ऐसे साधु है, अपना हाथों से उनको श्रृंगार करते हैं, हाथों से उनको कपड़ा पहनाते हैं, लेकिन उनको शरीर में कोई विकार नहीं, उनको मन में कोई विकार नहीं, वो बड़े बड़े साधु है। इसलिए ऐसे श्री राय रामानंद बड़े संत हैं। हाँ? तब कहते महाप्रभु जब गोदावरी नदी जब गए थे, दक्षिणी यात्रा गए थे, महाप्रभु श्री राय रामानंद को साथ में उनकी मिलन हुई है। जब मिलन हुई तब महाप्रभु और राय रामानंद बैठ करके जो डिस्कशन की है, उसको कहते हैं राय रामानंद संवाद है। और वो इतनी अच्छी हरि कथा, जब तक आप वो कथा को नहीं सुनोगे ना, कहते आप भक्ति जगत में प्रवेश नहीं कर सकते हो। जैसे कहते आप भक्ति कर रहे हैं, लेकिन ये भक्ति में जो तारतम्य है, कौन सा भक्ति से कौन सा भक्ति श्रेष्ठ, उससे और ये उच्चा क्यों, उससे और एक भक्ति श्रेष्ठ क्यों, इसका जो स्टेज बाय जो स्टेज है, कहती है राय रामानंद संवाद में, इसको सुने बगैर जो शुद्ध भक्ति है, ये शुद्ध भक्ति में कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। इतने सुंदर ये डिस्कशन है महाराज, प्राय करके महाराज जी ये हरि कथा सुनाया करते थे। मैंने सुना गुरुदेव जब हॉलैंड में आए थे, उन्होंने भी यहाँ पर भी राय रामानंद कथा सुनाए। जब गुरु जी जगन्नाथपुरी गए थे पुरुषोत्तम महीना में, वहां पर भी राय रामानंद संवाद की है। और इसलिए गुरुदेव ने एक ग्रंथ भी निकाले, जो राय रामानंद संवाद, उन्होंने गुरुदेव ने वो ग्रंथ को निकाले हैं, जरूर आप लोग को ग्रंथ को जरूर सुना करना। इसलिए हम भी थोड़ा सुनेंगे, ठीक है, एक दो दिन कोशिश करेंगे, आज भी थोड़ा सुन लेंगे, दूसरे दिन भी थोड़ा थोड़ा सुन लेंगे। आपका घड़ी कहाँ है, कितने बजे तक कथा होगी प्रभु जी? 8 बजे तक है, ठीक 8 बजे तक है ना, अभी तो बहुत टाइम ही है।
ठीक है, हाँ 45 मिनट है ये घड़ी, ठीक है ना? ठीक है, 45 मिनट हम इनकी कथा सुन लेंगे। इसलिए आप लोग है ना, ये कथा को एकदम मन लगा कर सुनना, फिर मैं सुनाऊंगा ना, फिर बाद में मैं पूछूंगा भी, ठीक है ना? ऐसे कथा सुनना जो सुन भी लेना और उसका उत्तर जैसे दे सकते हो, क्योंकि अगर मैं प्रश्न करूंगा, अगर बोलूंगा ना, फिर आप ध्यान लेकर सुनेंगे कथा को, ठीक है? एक मिनट एक कीर्तन कर लेते हैं, एक कीर्तन कर लेते हैं। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, 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 जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवर धारी, जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवर धारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय यशोदा नंदन जय ब्रज जन रंजन, जय ब्रज जन रंजन, जय यशोदा नंदन जय ब्रज जन रंजन, जय ब्रज जय रंजन, जय जामुन तीरवन चारी जय कुंज बिहारी, जय जामुन तीरवन चारी जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि 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 बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि 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 बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, अनिताई गौरांग जय अनिताई गौरांग, अनिताई गौरांग जय गौरांग, अनिताई गौरांग जय अनिताई गौरांग, अनिताई गौरांग जय अनिताई गौरांग,
Jai Sachinandana, Jai Sachinandana, Jai Sachinandana, Jai Sachinandana, Jai Sachinandana, Jai Sachinandana, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari 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 Bol, Hari 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 Bol, Hari Bol, Hari Bol. Hari bol, Hari bol, Hari 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 bol, Hari 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 bol, 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 Hita gor, Hari bol, Hari bol, Hari bol, Hari bol. Hita gor, Brahman, Hari Hari. कि ये राह रामानंद संवाद में उसका जो पहला श्लोक में ये बता रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु कहते राह रामानंद, जब मैंने तुम्हारी कथा से ये कथा को सुनी, तुम्हारी मुखार बिंद से ये कथा सुनी, फिर तो मेरे को रस की ज्ञान पता चला। ये भगवान खुद कहते हैं, जब तुम्हारी मुंह से मैंने ये कथा सुनी, जो रस है वो रस ज्ञान मुझे प्राप्त हुई। अभी प्रश्न है, ये चैतन्य महाप्रभु स्वयं कौन है? राधा कृष्ण का मिलित विग्रह महाप्रभु, राधा कृष्ण दोनों मिलकर के महाप्रभु रूप में आए। कहते रस का समुद्र तो स्वयं है, जब वो स्वयं रस समुद्र है, फिर ये कह रहे हैं रामानंद तुम्हारी मुंह से कथा सुन करके मेरे को रस ज्ञान हुआ। बोले ऐसे क्यों, इसका कारण क्या है? बोले इसका कारण बताए। कहते जो महाप्रभु है, कहते ये विषय विग्रह है, और जो राय रामानंद ये विषय का है, कहते ये आश्रय तत्व है। ये आश्रय तत्व और महाप्रभु विषय हैं, इसलिए वो विषय विग्रह होने का नाते, जैसे रसगुल्ला नहीं तो गुलाब जामुन, अभी गुलाब जामुन में क्या रस है उसको थोड़ी पता, खाने वालों को तो पता होता है, खाने वालों को पता होता है, उनको पता नहीं होता है। इसलिए कृष्ण महाप्रभु रूप में क्यों आए? कृष्ण कलयुग में राधा जी की भाव अंग कांति लेकर क्यों आए? कारण है राधा रानी की जो प्रेम की महिमा को समझने के लिए। क्या राधा जी की प्रेम की महिमा है? वो कैसे मेरे प्रेम को आस्वादन करती हैं? मुझे जो आनंद मिलता है उससे करोड़ों गुना आनंद श्री राधा रानी को मिलती है, क्या रस आस्वादन करती है। इसलिए कलयुग में राधा रानी की भाव अंग कांति लेकर कृष्ण स्वयं महाप्रभु रूप में आते हैं। हैं, यद्यपि महाप्रभु रस का समुद्र हैं, लेकिन जब रामानंद का मुंह से कथा सुने, फिर तो उनको रस की ज्ञान पता चला, क्योंकि रामानंद श्री विशा श्री विशाखा सखी श्री राय रामानंद है। इसलिए महाप्रभु राय रामानंद क्यों सुने? तब गुरु जी कहते थे का देखो, अभी कृष्ण स्वयं महाप्रभु रूप में आए, राधा रानी का प्रेम का आस्वादन करने के लिए। भैया गुरु तो होनी चाहिए ना, गुरु के बगैर तो ज्ञान नहीं होता है। हाँ, बिनु गुरु भवन थी तरई न कोई, जो बिरिंच शंकर सम होई। कहते ब्रह्मा शंकर जी के बराबर हो जाए, जब तो कोई गुरु का शरण आश्रय नहीं लेगा, कहते वो तत्व को समझ नहीं सकता। इसलिए तद्विधि प्रणिपात है न परिप्रश्ने न सेवया तस्मात गुरुम प्रपद्यते। इसलिए गुरु जी की शरण में जानी चाहिए। भैया अभी गुरु तो साधारण गुरु से तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो तो बड़े हाई फाई चीज का आस्वादन करना चाहते हैं ना, इसलिए उनको ऐसे हाई फाई तो गुरु चाहिए ना, बड़े अच्छे गुरु तो चाहिए, तब तो आस्वादन कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने श्री विशाखा के पास में गए, क्योंकि जो विशाखा है ये राय रामानंद, ये अनुराधा, इनका नाम अनुराधा, अनुराधा मतलब राधा रानी के जितने गुण है ना, कहती विशाखा में विद्यमान है, सारी राधा जी के गुण उनका अंदर विद्यमान है। इसलिए उन्होंने वहां पर जाकर गुरु जी की शरण उन्होंने लिया है, शरण लेकर के फिर तो जाकर के गंभीरा में आकर के, जब महाप्रभु गंभीरा में रहते थे, उनको प्रेम को उनको साथ में कौन रहते थे, रात को
दो व्यक्ति रहते थे, एक राय रामानंद और एक स्वरूप दामोदर, क्योंकि एक ललिता और एक विशाखा सखी है। राधा जी की भाव को केवल यही दो व्यक्ति समझते हैं और कोई उनके भाव को नहीं समझते हैं। इसलिए महाप्रभु के पास में रह करके महाप्रभु के भाव के अनुरूप भाव को बोल बोल कर उनके भाव को बढ़ाया करते थे। इसलिए उन्होंने श्री राय रामानंद से कथा उन्होंने सुने। अब गीता जानते कि नहीं, गीता में कृष्ण बोल रहे हैं और अर्जुन सुन रहे हैं गीता, लेकिन यहाँ पर कौन बोल रहे हैं? यहाँ पर अर्जुन बोल रहे हैं और कृष्ण सुन रहे हैं, क्योंकि अर्जुन भी राय रामानंद अंदर में, अर्जुन भी उनके अंदर में है। इसलिए कहते ये अभी बोल रहे हैं, राय रामानंद बोल रहे हैं और महाप्रभु यहाँ पर सुनते, उल्टा यहाँ पर है, वहां पर कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन सुन रहे हैं, यहाँ पर भक्त बोल रहे हैं और भगवान यहाँ सुन रहे हैं है। इसलिए इनका जो पहला जो महाप्रभु प्रश्न कर रहे हैं, बोले कह राय साध्यर निर्णय, इसका मतलब है जीव का लक्ष्य क्या है, जीव का लक्ष्य क्या है। जब उन्होंने लक्ष्य किया तब यहीं से उन्होंने प्रारंभ करते हैं, बोले स्वधर्म आचरण विष्णु भक्ति आए। स्वधर्म आचरण मतलब है जीव जिस वर्ण और आश्रम में जन्म ग्रहण किया है, पहले जीव को अपना वर्ण और आश्रम धर्म को पालन करनी चाहिए। जब तक जीव ये वर्ण और आश्रम, चार वर्ण और चार आश्रम है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, वन ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी, ये चार आश्रम और चार वर्ण है। कहते अगर जब तक जीव, इसलिए कृष्ण गीता में कहे थे ना चतुर्वर्ण मैया सृष्टम गुण कर्म विभाग स, भगवान जो ये चार वर्ण और चार आश्रम को उनने सृष्टि की, बोले गुण और कर्म से, जन्म से नहीं, जन्म से नहीं किया उन्होंने, गुण और कर्म से। कहते ब्राह्मण का क्या धर्म है? कहते ब्राह्मण का जो धर्म है पूजा पाठ करना और दूसरों को सिखाना, कहते ये ब्राह्मण का धर्म है। बोले क्षत्रिय का धर्म युद्ध करना है, और जो वैश्य का धर्म बिजनेस वाणिज्य करना, और शूद्र का धर्म ये तीनों वर्ण की सेवा करना, शूद्र का धर्म है। इसलिए अभी जिसको अंदर में जो जो गुण है वो गुण का अनुरूप जीव को उसी धर्म को जाजन करनी चाहिए है। इसलिए पहले हमें अपना दैव वर्णाश्रम धर्म को हमें जाजन करनी चाहिए, जाजन करते हुए धीरे 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 भक्ति पे अग्रसर होनी चाहिए। इसलिए कहते जब तो कोई जीव, इसलिए स्वामी महाराज ना विदेश में आकर के पहले उनने ये चीज को सिखाया, क्योंकि विदेश में दैव वर्णाश्रम नहीं है, विदेश में दैव वर्णाश्रम नहीं है, आश्रम आश्रम कुछ नहीं विदेश में, ये केवल तो भारत में हाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये जो चार आश्रम केवल भारत में, और कहीं ये चीज है ही नहीं। इसलिए पहले स्वामी महाराज आए विदेश में, पहले सबसे पहले उन्होंने यही चीज को उन्हें सिखा दिया, बोले धीरे धीरे, क्योंकि जब तक ये चीज को कोई नहीं आचरण करते ना, फिर आगे धीरे धीरे जीव बढ़ नहीं सकते हैं। इसलिए भगवान सबसे पहले राम अवतार में आए, बाद में फिर कृष्ण अवतार होता है। राम अवतार में भगवान सिखा देते हैं हमें ये संसार में रहने कैसे चाहिए, पति पत्नी में कैसे स्वभाव, और पिता और बेटे में कैसे व्यवहार होनी चाहिए, भाई भाई में कैसे प्रेम होनी चाहिए, पहले ये चीज को पहले हमें सीखनी चाहिए जीवन में, फिर तो कृष्ण का भक्ति, फिर तो कोई कृष्ण भक्ति में प्रवेश कर सकते हैं। पहले हमें राम भक्ति, कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम है, राम जगत में कैसे जीना है ना, ये चीज को सिखाते हैं, कैसे रहना है राम पहले सिखाते हैं, और कृष्ण तो जोगी जोगी महाजोगी है हा? इसलिए फिर तो जीव राम लीला को कोई अपनाएगा तो फिर कृष्ण लीला में वो व्यक्ति प्रवेश कर सकता है। इसलिए पहले हमें दैव वर्णाश्रम ग्रहण करते हुए अपना जीवन को निर्वाह करनी चाहिए, फिर धीरे, इसलिए पहले यहीं से ही उन्होंने भक्ति को उन्होंने शुरू की। जब शुरू की ये बात जब बताए ना महाप्रभु, बोले देखो ये भी बाहर का चीज है, अगर आगे और आगे की बात बताओ है, तब प्रश्न है महाप्रभु ये दैव वर्णाश्रम तो पहले भक्ति का पहले दरवाजा है, जब तक दरवाजा नहीं घुस सके अंतर में कैसे जाओगे?
तो महाप्रभु बोल दिया भैया ये तो बाहर का चीज है, इससे ऊपर की बात हमें बताओ। तो महाप्रभु ये दैव वर्णाश्रम को उन्होंने बाहर का विषय क्यों बता दिया, बोले इसका प्रभुपाद इसका कारण कहते हैं कि जिस वर्ण और आश्रम में हमारा जन्म है कद इसको 100 जन्म तक अगर कोई सही सही रूप में इसको जाजन करे, 100 जन्म एक जन्म नहीं, ठीक ठीक रूप में 100 जन्म तक कोई जाजन करे वो व्यक्ति ब्रह्मा पद को प्राप्त करता है, वो जीव ब्रह्म पद को प्राप्त करेगा है? नहीं तो 1-2 जन्म कोई जाजन करेगा, कभी स्वर्ग जाएगा, कभी मोहल लोक जाएगा, जन लोक जाएगा, लेकिन अगर 100 जन्म तक ठीक ठीक करेंगे तो आप ब्रह्म लोक तक जा सकते हो, ब्रह्मा बन सकते हो। लेकिन कब तक ब्रह्मा बन कर रहेंगे, बोले जब तक कि तुम्हारी पुण्य नष्ट नहीं हो जाता है तब तक वहां रहोगे, और पुण्य समाप्त तो होते ही फिर वहीं से फिर यहीं पर गिरो, फिर इस संसार के माया में फिर चक्कर काटते रहो, इसी संसार में भटकते हुए रहो। इसलिए महाप्रभु बोले भैया मैं जो बात अब सुनना चाहता हूँ ऊंची बात सुनना चाहता हूँ, क्योंकि जो जीव है ना जीवर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, जीव कृष्ण का नित्य सेवक है, यही इसकी सबसे श्रेष्ठ धर्म भगवान की भक्ति सेवा करना जीव के ही श्रेष्ठ धर्म है। इसलिए जैसे दैव वर्णाश्रम जाजन करोगे है, दैव वर्णाश्रम जाजन करते हुए वहां पर कोई भक्ति की बात नहीं है, भगवान के प्रेम की कोई बात नहीं है, कोई निर्विशेष उपासना कर सकता है, कोई सविशेष को उपासना कर सकता है, इसलिए यहाँ पर कोई भक्ति की कोई बात नहीं आ रही है। इसलिए पहले ब्रह्मचर्य, उसके बाद में फिर गृहस्थ कितना साल, 25 साल तक ब्रह्मचर्य रहो, उसके बाद में 25 साल गृहस्थ धर्म जाजन करो 25 साल तक, फिर 25 साल के बाद में फिर वानप्रस्थ। इसलिए देखो 50 साल तक तो गृहस्थ, 50 के बाद में जो अंक आता है ना एका बन बा बन, बोले घर में नहीं बन जाओ, एका बन बन है ना, एका बन बाबन चौबन ये बन बन आता है, बोले और घर में नहीं जा वृंदावन जा भजन कर। इसलिए बोले वानप्रस्थ लो, अगर हम वृंदावन नहीं जा सकते हैं लेकिन अपने घर में तो बन बनाओ, अपने घर में तो रह करके मिल करके भगवान की घर में रह करके भगवान की भक्ति करो। इसलिए उसके बाद में फिर वानप्रस्थ, उसके बाद में फिर संन्यास ये। लेकिन इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते बोले किबा जति सती किबा नीचे जाती, यदि हरि नाही भजे तबे जनमिया भ्रमिया भ्रमिया रव नरक मजे। तो प्रेमानंद ठाकुर कहते हैं भले ही तुम सन्यासी क्यों नहीं हो, जति कि भले ही तुम सती क्यों नहीं हो, अगर भगवान की भक्ति नहीं करोगे ना फिर तो तुम ये संसार चक्र में भटकते हुए रहोगे। इसलिए महाप्रभु बोले भैया ये तो बाहर की बात है और हो तो आगे की बात करो, जो आगे की बात करे फिर उन्होंने राय रामानंद कह रहे बोले प्रभु जत करो सी जत स्नासी जस दोह सी जदा सी जत जत तपस सी कौंतेय तदगुरु समर्पण। तुम जीवन में जो कुछ करते हो, पहले तो भक्ति की कोई बात भगवान कोई नाम नहीं आ रहा था, लेकिन इसमें कह रहे हैं तुम जो कुछ करते हो जत करो सी, तुम जो कुछ करते हो जत स्नासी, जो कुछ ग्रहण करते हो, जो कुछ देते हो, जो कुछ खाते हो, क्या करो भगवान को अर्पण करो। इसलिए यहाँ कर्म मिश्रा भक्ति है, हाँ भक्ति तो है लेकिन ये कर्म में मिला हुआ है भक्ति। इसलिए सब कुछ क्या करनी चाहिए भगवान को अर्पण करनी चाहिए, सब कुछ भगवान को अर्पण करो। इसलिए हमारे भारत में तुम्हारी सूरीनाम भी देखना लोग सब कुछ करेंगे, सब कुछ करेंगे बोले इदम सर्वम कृष्णार्पण मस्तु, ये सब चीज हम भगवान को अर्पण कर रहे हैं, बोले सब कुछ उनको अर्पण करो। लेकिन जब ये बात बताए ना महाप्रभु बोले भैया ये भी बाहर का विषय है, हम तो इसके ऊपर और कुछ सुनना चाहते हैं। तो यहाँ प्रश्न है महाप्रभु क्यों बोले ये बाहर का विषय और कुछ ऊपर सुनाओ, बोले क्यों, बोले यदि हम तो कृष्ण को अर्पण कर रहे हैं ना, हम तो कृष्ण अर्पण कर रहे हैं, तो कृष्ण तो गीता में बोले उसको अर्पण करने के लिए अर्पण कर रहे हैं, फिर इसमें महाप्रभु बाहर का विषय क्यों बोल दिए। बोले देखो इसमें पहले तो स्वयं तुम कर्ता बन गया, स्वयं कौन कर रहे हैं, बोले मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं रोसे बना रहा हूं, मैं साफ कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं इसलिए बकरी मैं करता है, इसलिए मरता है, इसलिए ये सब मैं
कहते ना मैं मेरी तेरी ये माया है, इसलिए ये मैं पन को छोड़ना पड़ेगा है, इसलिए मैं चीज, इसलिए यह मैं शब्द आ गया। इसलिए जब प्रहलाद को उसको पिताजी ने पूछा, बताओ तुमने जो गुरुकुल में गया था, गुरु जी ने तुमको सबसे श्रेष्ठ विद्या क्या सिखाया, बोलो। तो प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं, बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनं बंदनम दास्य सख्य आत्मनिवेदनम इति पुंसार पिता विष्णु भक्ति चेतन अवलक्षणा क्रियते भगवत अध्यातन मने अधितोतम। प्रहलाद कहते हैं मैंने गुरु जी के पास में जाकर के सबसे यही उत्तम विद्या पढ़ा। बोले कौन सा उत्तम विद्या, बोले पहले ठाकुर के चरण में शरणापन्न हो जाओ। पहले गुरु जी और ठाकुर के चरण में हमने संपूर्ण उनके चरण में शरणागत हो गया है। जब हम उनकी हो गया, अभी जो कुछ करेंगे उन्हीं के लिए करेंगे। स्नान भी क्यों स्नान कर रहे हो, बोले स्नान नहीं करेंगे तो ठाकुर का सेवा पूजा कैसे करेंगे। क्यों कपड़े पहन, कहते भक्तों का सब कुछ भक्ति है, उसका शौच क्रिया जाना पेशाब पायखाना भी उसका भक्ति है। बोले शरीर पवित्र नहीं होगा तो ठाकुर का सेवा पूजा हम कैसे करेंगे। बोले साबुन क्यों शरीर में लगा, साबुन से बदबू निकलेगा, ठाकुर का सेवा कैसे करेंगे। कहते कंघा कंघी क्यों कर रहे हो, बोले सुंदर नहीं होगा तो ठाकुर का सेवा। इसलिए कहते भक्तों का जितने सब काम है ना, बोले ब्रूस क्यों कर रहे हो, बोले मुंह से बदबू आएगा ठाकुर को, विश्वनाथ को ठाकुर कह रहे हैं। बोले तब तक ये बंधन है तब जब तक हम ठाकुर का नहीं बन जाते। जब हम ठाकुर जी के चरण में चले गए, गुरु जी की शरण में चले गए, फिर तो सब कुछ उसको भक्ति है, सब कुछ उसकी भक्ति है, हैं? उसको जो कुछ करते हैं, बोले काम क्यों कर रहे हो, बोले ठाकुर का सेवा कैसे होगा, पैसा बगैर तो लक्ष्मी के बगैर तो ठाकुर का सेवा नहीं हो सकता है। बोले रसोई क्यों कर रहे हो, बोले हम ठाकुर जी के ना भगवान की प्रसाद भोग लग गया है, इसलिए घर क्यों साफ करते, बोले ठाकुर का मंदिर है ना ये घर, ये ठाकुर जी का मंदिर ही घर है। इसलिए पहले खुद को खुद पहले ठाकुर के चरण में समर्पित हो जाओ पहले के पहले, फिर जब हम उन्हीं की बन गए फिर जो कुछ करेंगे उन्हीं के लिए करेंगे हैं। अगर जब तक ठाकुर को समर्पित नहीं होते हैं फिर तो मैं आएगा, इसलिए माया है। इसलिए महाप्रभु बोले ये बाह्य है, ये पहले तो तू तो स्वयं कर्ता बन गया, करने वाला मैं, फिर ठाकुर के चरण में तू समर्पण कर रहे हो, ये शुद्ध भक्ति नहीं, कर्म मिश्र भक्ति। बोले आगे की बात बताओ, जब आगे की बात बताए, बोले ये कर्म त्याग, ये सारे कर्म को त्याग करो, फिर वहां पर बताए आज्ञा एव गुणान दोषान मया दिष्टापि सकान सर्वत्र संतेज्य जो माम भजत सच उत्तम। कहते वो उत्तम है क्या है, देखो गीता में कृष्ण बोलने पर भी, कृष्ण तो गीता में बोलना जत करोसी जत सनासी, गीता में एक श्लोक बोले, यहाँ पर भगवान कह रहे बोले देखो मैंने बताया हाँ, ये बात मैंने ही बताया तभी नहीं करने का, उसमें गुण दोष का विचार करो। क्योंकि गीता में भगवान छह अध्याय में कर्म योग की बात, छह अध्याय में ज्ञान योग और छह अध्याय में भक्ति योग की बात करते हैं हाँ, उसमें भी कर्म मिश्रा भक्ति है, वह ज्ञान मिश्रा भक्ति है, पूर्ण शुद्ध भक्ति की विवेचना वहां भी नहीं है। इसलिए जब उन्होंने गीता सुनाया ना, ये ज्ञान वैराग कान में नारद जब गीता सुनाए, ज्ञान वैराग थोड़ी सी कोशिश किया आग खोलने के लिए, लेकिन जब थोड़ी सी कोशिश किया तो बैठने के लिए, पर जब खत्म हो गया धड़ांग कर गिरे। इसलिए नारद जी आश्चर्य हो गए, बोले इनको भगवान के मुख निषिद्ध वाणी ये गीता है, इनको गीता भी सुना दिया तभी इनके ज्ञान नहीं हुई, बड़ा आश्चर्य की बात। इसलिए फिर उन्होंने बोले ये भागवत सुनाओ, इनको भागवत सुनाओ। इसलिए कृष्ण गीता में कहते देखो मैंने गीता में जो जो बात बताया है उसका गुण और दोष को विचार करके करो। इसलिए कृष्ण बोले इसलिए हम करेंगे, बोले नहीं उसका गुण दोष को विचार करो, इसमें गुण क्या और दोष क्या है, ये चीज को विचार करते हुए जो करते हैं कहते वो सर्वश्रेष्ठ है, उनका सर्वश्रेष्ठ भक्त माना जाएगा। इसलिए फिर उन्होंने दो श्लोक को बताते हैं और एक श्लोक बताए सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माम शुचो। यहाँ पर जो बताया सर्वधर्मान परित्यज्य, कौन सा धर्म है, अगर कोई कोई कहते ना कृष्ण तो बोल दिया सब छोड़ दो सब धर्म को छोड़ दो, सारे धर्म को छोड़ दो, बोले नहीं
यहाँ पर जो कृष्ण कहते सारे धर्म को छोड़ो, कौन सा धर्म को? कहते जो वर्ण और आश्रम, हाँ यहाँ पर वर्ण जो आश्रम है ये धर्म को छोड़ने के लिए कृष्ण ने कहा, भक्ति को छोड़ने के लिए नहीं बताया। कोई कोई कहते कृष्ण तो बोल दिया सब छोड़ो, हाँ भक्ति भी छोड़े, बोले नहीं, कहते वर्ण आश्रम धर्म को छोड़ करके कहते केवल मात्र मेरे शरण में आप शरणागत हो जाओ। इसलिए जब नारद जी अर्जुन को बोले ना भैया कृष्ण के तुम सबसे बड़े भक्त हो, बोले भक्त है मैं कैसे भक्त हुआ? देखो कृष्ण मेरे को गीता में क्या कह रहे हैं, बोले सर्वधर्मान परित्यज्य, ये थर्ड क्लास का उपदेश दे रहे हैं, ये थर्ड क्लास उपदेश दे रहे हैं, इसका मतलब अभी मैंने संसार धर्म त्याग नहीं किया, इसलिए अभी तो ये दरवाजा में प्रवेश कर रहे हैं, मतलब अभी मैंने संसार का धर्म में पड़ा हुआ है, कहते इसको छोड़ करके मेरे चरण में शरणागत हो, मतलब अभी कहते ये धर्म का जो पहला दरवाजा में प्रवेश करना है, ये पहले दरवाजा में प्रवेश अभी किए ही नहीं है, क्यों सर्वधर्म छोड़े ही नहीं हम अभी, इसलिए बोले सारे धर्म को छोड़कर क्या करो, कृष्ण के चरण में शरणागत हो जा, बोले पाप नहीं लगेगा। कृष्ण कहते हैं हम तो आम सर्व पापे भमक्ष स्वामी माम अर्जुन परमेतर को सारे पाप से तुमको मैं मुक्त कर दूंगा। जब ये बात बताए ना त्याग, महाप्रभु बोले ये भी बाहर का विषय है, बात मेरे को बताओ। जब बोले और आगे की बात बताए, फिर महाप्रभु फिर श्री राय रामानंद कहते हैं बोले ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा नश्चन्ति न काक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मत भति। फिर यहाँ पर जो कर्म मिश्रा वहां पर ज्ञान मिश्रा भक्ति की बात आई है। ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा, हाँ जो व्यक्ति अपना वो कहते ना अहम ब्रह्मास्मि, हम वही ब्रह्म हूँ, तत्त्वमसि तुम हो सर्वम खलु इदम ब्रह्मम, सबके सब ब्रह्म हैं, हाँ? इसलिए जो व्यक्ति ब्रह्म भूतम प्रसन्न आत्मा, जो व्यक्ति कहते हम यही ब्रह्म है, कोई चिंता करके ब्रह्म भूत और उसमें एकदम प्रसन्न आत्मा हम वही भगवान है, एकदम उसमें डूबे रहते हैं, कोई दुख कष्ट नहीं, प्रसन्न आत्मा न सोचंती न काक्षंती, उनको किसी तरह का संसार की कोई चीज की उनकी कामना वासना नहीं। सम सर्वेषु भूतेषु, सब जीव में सर्व समदर्शी, सबको सब ब्रह्म है, ब्रह्म सब ब्रह्म है, इसलिए नमो नारायण, किसको बोले ना तुम भी नारायण और मैं भी नारायण हूँ, इसलिए नमो नारायण, इसलिए सब जीव में जो भगवान को हाँ अनुभूति करते हुए सम सब भूतेषु, अगर ऐसे अगर कोई करता है मत भक्ति लभे तब राम, हो सकता है बाद में उसको भगवान भक्ति की लाभ होएगी, मत भक्ति लभे तब राम। इसलिए कहते ये कर्म मिश्रा भक्ति से कहते जो ज्ञान मिश्रा जो भक्ति ये श्रेष्ठ है। जो उन्होंने ये बात को बताए बोले भैया लख्य का ये चरम लख्य जीव का नहीं है, इसलिए और हो तो आगे की और कोई बात बताओ। जब आगे की बात बताए फिर उनने एक श्लोक बोले, सुन करके महाप्रभु प्रसन्न हो गए, खुश हो गए, बोले नहीं अभी तक तुम लाइन के बाहर था, अभी तुम लाइन में आए हो, हाँ ये श्लोक सुन करके महाप्रभु बोले ये है, बोले अभी तुमने लाइन में आए हो। देखो ये श्लोक बड़े महत्वपूर्ण श्लोक है, कहते ये श्लोक है जब ब्रह्मा कृष्ण के बछड़े और सखा को चोरी कर लिया, बछड़े सखा को चोरी कर लिया, चोरी करके ब्रह्मा तो पहले सोच रहा था ये कोई साधारण बालक होगा, चोरी करके जब उसने ब्रह्मलोक में गया, ब्रह्मलोक में पहुंचने से पहले कृष्ण स्वयं ब्रह्मा बन गए, और वो पहुंचने से पहले खुद वहां पहुंच गए, और दरुआन को बोल दे बोले देखो मेरे जैसे कोई व्यक्ति आए ना अंदर में घुसने मत देना, और कृष्ण ब्रह्मा बन करके ब्रह्मा के आसन पर बैठ गए, और जब ब्रह्मा खुद वहां पर गए उसका जो दरवान थे ना चौकीदार और ब्रह्मा को भगाया, बोले तू कहां से आ गया, हमारा प्रभु तो अंदर में बैठे तू कहां से आ गया, उसको वहां से भगाए, बोले भैया ये भैया मेरे नौकर मेरे को क्यों भगा रहे हैं, फिर अंदर में कौन बैठे गया, देखा उनका प्रभु कृष्ण स्वयं ब्रह्मा बनकर बैठे हुए, फिर ब्रह्मा जल्दी जल्दी वहां से भगा, कहा फिर चक्र में पड़ गए, क्यों चक्र में पड़ गए, बोले कृष्ण का जितने बछड़े सखाओं को मैंने गुफा में बंद करके रखा, लेकिन कृष्ण फिर उनको ले आए क्या,
फिर देखने के लिए गए, बोले नहीं वो तो बैसे के बैसे सोए हुए। फिर दोनों तरफ में चार सिर ना, इधर दो और इधर तरफ में देखा, कृष्ण उनको दिखाया देखो नहीं, बछड़े सब के सब नारायण 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 पड़े गए। एक नारायण का नाभि कमल से मेरा जन्म, मैं जानता हूँ एक नारायण, लेकिन यहाँ सबके सब नारायण नारायण है। हाँ, फिर तो वो समझ गई ये तुम्हारा बाप का बाप का बाप का ये बाप है। हाँ, वो चीज को समझ गई, इसलिए बोले ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रहम अनादि राधि गोविंद सर्व कारण कारणों। फिर उनने स्तुति करते करते एक श्लोक वो बता रहे हैं। हाँ, ये श्लोक आप लोग याद कर लेना, बहुत अच्छा श्लोक है। जिस श्लोक को सुन करके महाप्रभु बोले हाँ अभी है, बोले ज्ञाने प्रयासमुद्पास्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरीतं भवदीय वार्तां स्थाने स्थितां श्रुतिगतां तनुवांग मनोभि जे प्रायस अजीत जितो अपि स्त्रैलोक्यान्। कृष्ण का एक नाम अजीत, अजीत का मतलब है जिनको पाना बहुत ही कठिन है, बहुत ही कठिन है, जिनको कोई पा नहीं सकते हैं। ब्रह्म शंभु अमरपति गणेशार्चित पद, जहां पर ब्रह्मा कहते हैं भैया अगर कोई बोलता है उनको जानता हूं मैं, बोलो उनको जानने दो मैं ब्रह्मा कहता हूं। कहते पृथ्वी का धूल कण को कोई गिन सकता है, रेती का हाँ, कहते बारिश का बूंद को कोई गिन सकता, लेकिन उनकी महिमा को कोई नहीं था पा सकते। जिनकी महिमा ब्रह्मा शंकर नारद भी जिनकी महिमा को समझना कठिन है, इसलिए कहते वो अजीत है जिनको पाना बहुत कठिन। अभी प्रश्न है क्या फिर वो मिलेंगे नहीं, उनका नाम अजीत है ना, जिसको जितना कठिन है फिर क्या वो मिलेंगे नहीं, बोले हाँ वो मिलेंगे। कहते कैसे मिलेंगे, उसका उपाय को ब्रह्मा बता रहे हैं, बोले ज्ञान प्रयास मुद्पास्य। कहते जो ज्ञान के पहला जो श्लोक में बताया ना वो ज्ञान मिश्रा भक्ति है। कहते भैया ये ज्ञान की चेष्टा भी छोड़ो, ज्ञान का प्रयास को पूर्ण छोड़ो। इसलिए महाप्रभु जब भक्ति की ये रूप गोस्वामी जो भक्ति की डेफिनेशन बताए क्या बताए, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति रूतमा। जो उत्तम भक्ति है, उत्तम भक्ति क्या है बताए, अन्याभिलाषिता शून्यम, दूसरे अभिलाष को त्याग दो है? और ज्ञान कर्मादि अनावृतम, उन्होंने ज्ञान कर्म को छोड़ने के लिए नहीं बताया, क्या बताए, ज्ञान कर्म से ढकनी नहीं चाहिए, ज्ञान कर्म को द्वारा ढका नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अभी जो कथा सुनते हैं भाई अभी तो ज्ञान है ना, लेकिन ये तत्व ज्ञान है, भक्ति युक्त ज्ञान है। और कर्म हम जो सेवा कर रहे हैं, मंदिर साफ कर रहे हैं, भी तो कर्म है, लेकिन ये जो कर्म है कृष्ण सेवा की कर्म है, बोले ये तो चाहिए लेकिन ज्ञान कर्म को द्वारा ढकनी नहीं चाहिए। हाँ, इसलिए इसको द्वारा आवृत नहीं होनी चाहिए। इसलिए रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत संतु में कहते हैं, वो कहते हैं भुक्ति मुक्ति स्पृहा पिशाची जावत हृदय वर्तते। कि जब तक हृदय में उन्होंने ये मुक्ति को ना एक पिशाची शब्द बताया, पिशाची जानते हो, हुई जिसको भूत कहते हैं, हाँ हाँ क्या बोलते उसका, हेक्स। इसलिए कहते उन्होंने उदाहरण दिया जो भुक्ति और मुक्ति ना ये हेक्स। हाँ, कहते ये क्या करता है, ये अंदर से ना सारे खून को चूस लेता है, सब कुछ एक दिन जीव को खत्म कर देता है, इसलिए उसको पिशाच शब्द बताया है। इसलिए जब तक हृदय में ये चीज हो, बोले भैया भक्ति कभी हृदय में, भक्ति कभी तुम्हारे हृदय में नहीं आ सकती है। इसलिए यहाँ पर बोले ज्ञान प्रयास मुद्पास्य, कि जो ज्ञान के प्रयास, हम ब्रह्मास्मि हम वही ब्रह्म है, एक दिन ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, बोले भैया ये चीज को संपूर्ण रूप में त्याग दो। हाँ, ये चीज रहेगी तो, इसलिए बोले धर्म प्रजीत कैतवत्र, इसको सबसे बड़ा कपटता मानी गई है, ये मुक्ति को सबसे बड़ा कपटता मानी गई है। कहते उसको त्याग देकर क्या करो, बोले नमंत एव जीवंती सन्मुख रीतम भवदीय वार्ता,
कहते संतों का की मुखार बिंद से जो भगवान की कथा रूपी जो मंदाकिनी की नदी बह रही है, कि तो वो नदी में नित्य निरंतर गोता लगाते रहो। हाँ, भक्तों की मुखार बिंद से कथा रूपी नदी में, उसमें जीवंती, जीवंती मतलब होता है आहार, जीवंती मतलब आहार। जैसे अगर एक टाइम ही भोजन नहीं करो, बोले दिन भर ब्रेड का मुंह ही नहीं देखा। हाँ, दिन भर ब्रेड ही नहीं मिला, रोटी ब्रेड मक्खन ब्रेड दिन भर नहीं मिला, हमें खाना ही नहीं मिला अगर एक टाइम। कहते उसी तरह जो व्यक्ति भगवान की भक्ति को ही जीवन बना ले, हाँ, जीवन बननी चाहिए। जीवन मतलब क्या है? नहीं, एक दिन माला किया तो किया, दूसरे दिन जहां तक लटक रहा है, माला ही नहीं देखा, माला ही नहीं पकड़ा। नहीं, ऐसे नहीं होनी चाहिए। इसलिए ये जीवन मतलब होता है जिनका जीवन। अगर माला नहीं किए तो उनको लगे आज दिन भर हमने कुछ भी नहीं किया है। भक्ति जीवन होनी चाहिए। हाँ, जब तक भक्ति जीवन नहीं होना तब तक तो भक्ति में हम बढ़ नहीं सकते हैं। इसलिए महाप्रभु कहते हैं, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जोर से बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए महाप्रभु कहते हैं ये जो हरि नाम है, प्रभु बोले कहिला यही महामंत्र, यह जब गया सब करिया निर्बंध। महाप्रभु कह रहे हैं मैंने जो नाम दिया निर्बंध, निर्बंध मतलब संख्या करके। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं निर्बंध मतलब रोज 1,00,000 हरिनाम करो। निर्बंध का मतलब भक्ति विनोद ठाकुर 1,00,000 हरिनाम। महाप्रभु कहते हैं ना जो 1,00,000 हरिनाम नहीं करता है, 1,00,000 उसके घर में मैं खाना नहीं खाता हूँ, उसके घर में भोजन नहीं करता हूँ। हैं, लेकिन अगर एक दिन में लाखपति नहीं हो पाए, 4 दिन में तो लाखपति बनो। अगर दिन में अगर 16 माला करोगे फिर 4 दिन में क्या हो जाएगा? लखपति हो जाओगे ना। अगर एक दिन में नहीं हो सकते, 4 दिन में तो लखपति बनो। इसलिए हमारे श्री गुरुदेव भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज, वो तो नाश्ता करने से पहले वो 1,00,000 हरिनाम पूरी करते थे। हाँ, नाश्ता करने से पहले। इसलिए प्रेमानंद है ना, प्रेमानंद प्रभु मार्केटिंग करने के लिए जाते थे। जब मैं वहां था, जब मार्केट को पैसा मांगने जाते थे ना, बोले भजन को बाद में कोई पैसा मांगना, हमने आए क्यों मंदिर में? भजन के लिए के आए, इसलिए पहले भजन उसके बाद में भोजन। हाँ, इसलिए पहले भजन बाद में भोजन, पहले भजन होनी चाहिए। इसलिए हाँ उल्टा हो रहा है, पहले भोजन फिर भजन। इसलिए कलयुग में हमें जो नाम निष्ठ होनी चाहिए। हाँ, कलयुग है ना, वो नाम के ऊपर में सब कुछ निर्भर करता है कलयुग में। इसलिए हरि नामाश्रय करी जतन तुम्हें थाक आपने काजे। भक्ति मनोहर ठाकुर कहते नाम का आश्रय करते हुए अगर एक दिन गुरुदेव ने जो माला दिया, ये माला नहीं, ये स्वयं ठाकुर जी है, ये भगवान स्वयं नाम रूप में कलयुग नाम रूप में कृष्ण अवतार, भगवान कलयुग नाम रूप में ठाकुर जी अवतीर्ण हुए हैं। हाँ, इसलिए अगर एक दिन माला नहीं छुए मतलब क्या हो गया? माला स्वयं कृष्ण, अगर एक दिन माला नहीं किया ना, समझो ठाकुर दिन भर भूखे रह गए। अगर एक दिन आप कपड़ा नहीं बदलाओ, एक दिन स्नान मत करो, एक दिन भोजन मत करो, आपको कैसे लगेगा? अगर एक दिन हमने हरिनाम नहीं किया तो समझो दिन भर ठाकुर जी भूखे रह गए। ठाकुर जी स्नान नहीं किए, भूखे ठाकुर। इसलिए शास्त्र ने बताया माला को कभी भूखा नहीं रखनी चाहिए, भूखा कभी माला नहीं रखनी चाहिए। इसलिए महाप्रभु हरिदास ठाकुर को जो प्रसाद देने के लिए आए पुरी में, हरिदास ठाकुर क्या बोले? हरिदास ठाकुर बोले प्रभु आज मैं प्रसाद स्वीकार नहीं कर सकता। बोले क्यों? बोले आज मैंने आज संख्या माला नहीं पूरी की। हरिदास ठाकुर जब तक अपना माला नहीं पूरी करते ना, 3,00,000 हरिनाम करते थे हरिदास ठाकुर। तो जब तक अपना संख्या माला नहीं पूरी करते थे महाप्रभु, भोजन नहीं करते थे। महाप्रभु बोले हरिदास तुमने जिंदगी भर 3,00,000 हरिनाम तुमने की, अभी तो वृद्ध हो गए, थोड़ा कम करो, अभी थोड़ा कम करो। हरिदास ठाकुर क्या कहते? बोले प्रभु
शरीर मर सुस्त है असुस्त बुद्धिमान, हम लोगों को कह रहे हैं बोले शरीर तो बढ़िया चंगा है लेकिन जो मन है ना ये दुष्ट है, ये मन दुष्ट है। आप देखना हर काम के लिए मन तैयारी, कहीं सिनेमा जाओ, घूमने जाओ, पार्टी में जाओ, शादी में जाओ, पहले ऐसे ड्रेस पहन करके, ऐसे घड़ी पहन करके, ऐसे जूता पहन करके, मैचिंग का पहन करके हम जाएंगे, पहले से वो पहले से तैयारी रहता है। लेकिन अगर कभी भक्ति की बात करें ना, ये मन इतने बहानाबाजी बनाता है, इतने एक्सक्यूज, इतने बहानाबाजी बनाता है। हाँ, इसलिए हरिदास ठाकुर कहते बोले प्रभु शरीर तो मेरी सुस्त है लेकिन जो मन है ना ये बड़ा असुस्त है। इसलिए प्रभुपाद बोलते थे सवेरे उठो, सवेरे उठकर अपना जूती लो, जूती लेकर 100 बार ये मन को मारो। हाँ, प्रभुपाद कहते थे, मतलब क्या, ये मन को समझाओ, मन दिन भर देखो नियम है, जब नींद से उठो ना, जब पहले नींद खुले पहले क्या करो, ठाकुर जी को गुरु जी को पहले प्रणाम करो, प्रार्थना करो, ठाकुर जी जैसा आज दिन भर तुम्हारी कीर्तन, तुम्हारी भजन, तुम्हारी चिंतन, भक्ति करते हुए जैसे दिन भर जैसे बीते, हाँ दिन भर जैसे तुम्हारी भजन में जैसे बीते। इसलिए हमारे जो महाराज भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज, आप देखना जहाँ आप देखोगे जहाँ सोते थे ना उनको सर के ऊपर में उनको ठाकुर जी का गुरु जी का पिक्चर रहता, जब गुरु जी पहले उठते हैं पहले प्रणाम करते हैं ठाकुर जी के चरण में, गुरु जी के चरण में प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हुए प्रार्थना करते हैं, दिन भर तुम्हारी सेवा भक्ति करते हुए मेरी जीवन जैसे बीते ठाकुर जी प्रार्थना करते हैं। हाँ, इसलिए और महाराज जी 3:30 उठते थे, मैं गुरु जी की सेवा कुछ दिन किया है, एकदम 3:30 उठ जाएंगे, कोई पास में कोई सोया होगा उसको जगाएंगे नहीं, गुरुदेव उठ करके अपना हाथ मुंह धो देंगे और अपना बिस्तर में बैठ जाएंगे, बैठी करके एक जगह पर बैठी करके माला लेकर के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, फुकार फुकार करके, हाँ रो रो करके। हाँ, इसलिए जैसे जब तक बच्चा नहीं रोता है ना, आप देखना मैया दूध नहीं पिलाती है, जब बच्चा रोएगा तब तक माँ दूध पिलाएगी, हाँ नहीं थोड़ी दूध पिलाती है। इसलिए भगवान की भक्ति के लिए रोना चाहिए, बामन गोस्वामी महाराज कहते थे बोले रोना सीखो, जब तक रोना नहीं सीखोगे ठाकुर तब तक कृपा नहीं करते हैं। इसलिए महाप्रभु कहते ना नयनम गलदस धारया बदनम गदगद रुधाय किरा पुलक निचितम बपु कदा तब नाम ग्रहण भविष्य, ठाकुर कब ऐसे दिन आएगा तेरे नाम को लेकर के रोएंगे, हैं तुम्हारे नाम को लेकर के हम रो रो करके भगवान को पुकारेंगे, रोना हमें सीखनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर ब्रह्मा जी कह रहे जीवंती, जीवंती मतलब जिनका जीवन, जैसे एक दिन अगर मत खाओ रोटी ब्रेड मत खाओ कैसे लगेगा, हाँ इसी उसी तरह भक्ति भी अपना जीवन होनी चाहिए, भले ही संसार का कोई वस्तु के बगैर हम जी सके लेकिन नेचर ऐसे बनाओ भगवान की भक्ति के बगैर हम जी नहीं सकते। दुनिया खाना पीना दुनिया नहीं हो तो चलेगा लेकिन अगर भक्ति नहीं होगा तो हम भक्ति के बगैर हम जीवित नहीं रह सकते हैं। जब तुम्हारी ऐसे भावना हो जाएगा ना, समझना अभी भक्ति हमारा कुछ हुई है, हमारी कुछ भक्ति हुई, जब तक ये चीज नहीं हो समझना हमारी भक्ति में कोई एडवांस नहीं है। दूसरे चीज के लिए तो तैयारी है लेकिन भक्ति के लिए कोई तैयार नहीं, पर जीवन कहाँ बना। इसलिए जीवंती बोले सन्मुख रीतम भवदीय वार्ताम, भक्तों के मुखारविंद से जो कथा रूपी मंदाकिनी बोले भवदीय, भवदीय मतलब भगवान और उनका भक्त, उनका नाम रूप गुण लीला, कथा को कैसे सुनने वाले तन बांग मनोवी, के तीन चीज को द्वारा कथा सुननी चाहिए, बोले काय मन और वाक्य, बोले तीनों को द्वारा कथा सुननी चाहिए। बोले कथा तो हम कान में सुन रहे हैं, कथा तो कान से सुनते हैं, कहते तन मन और वचन से कथा सुनो, तन मन वचन से कथा कैसे सुनेंगे। बोले तन मतलब शरीर, हाँ इसका मतलब शरीर नहीं होता तो हम घर से यहाँ तक कैसे आते हैं। और नियम है जब कथा में आओ तो कथा में आए सीधा बैठी गई, बोले नहीं कथा में आकर के सबसे पहले कथा स्थल को प्रणाम करो, कथा श्रोताओं को प्रणाम करो, हैं जो सुनने कथा बोलने वालों को उनको प्रणाम करो, सबको प्रणाम करके बैठो
और जहां पर ये कथा हो रही है वो स्थान साधारण नहीं है। ये सुतो गोस्वामी सौनकादृशियों को कह रहे हैं, बोले सर्वाणी तीर्थानी बसंती तत्रा जथा चुतादर कथा प्रसंग, जहां पर भगवान अच्युत की, इसलिए इसका नाम अच्युत है, जहां पर उनकी कथा हो रही है सर्वाणी तीर्थानी, पृथ्वी का सारे तीर्थ विद्यमान वहीं पर है। कहते समझो पृथ्वी का सारे तीर्थ में हम बैठे बैठे करके यहीं पर हमने स्नान कर लिया, सारे तीर्थ में स्नान कर लिया, बोले उससे भी ज्यादा फल कथा रूपी गंगा में नहाने का। साधारण गंगा में नहाओ तो क्या है, पाप थोड़ी दूर होगा और कुछ नहीं, फिर पाप करने लग जाएंगे, लेकिन कथा रूपी गंगा में नहाओ तो बस हृदय में भगवान की भक्ति आ जाती है। माला कंठी तिलक धारण करते हुए भगवान की जीवन ही, हाँ उनका जीवन ही परिवर्तन हो जाता है कथार भी गंगा में नहाने का। इसलिए काय हाँ मन, कत मन तो होनी चाहिए, अगर मन यहाँ नहीं होगा तो कथा सुन ही नहीं सकते हैं। अगर शरीर यहाँ पर मन और कहीं है पर थोड़ी कथा सुन सकते हैं। जब पूछेंगे क्या सुने, बोले नहीं नहीं मैं तो और कोई चीज को सोच रहा था। पर शरीर रहने पर अगर मन नहीं हो ना फिर कथा नहीं सुन सकते। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताए कथा सुनने के लिए व भक्ति करने के लिए पांच चीज की जरूरत है। वो कहते पांच चीज की जरूरत है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोले पांच चीज क्या है, बोले पहला लय। लय मतलब होता है सो जाना। अब देखना कोई दूसरी इधर उधर की बात हो ना, निंदा चुगली हो कान खड़ा हो जाएगा, हाँ एकदम कान खड़ा हो जाता। अरे अगर वहां पर कोई निंदा चुगली करता हो ना, यहां से पता चलेगा भैया वहां कुछ हो रहा है वहां कुछ हो रहा है। हम धीरे धीरे क्या करेंगे, उसको पास में धीरे धीरे जाएंगे और सुनने लग जाएंगे। मेरे को भी पता है ऐसे ऐसे हुआ ना, कहते ये है इसलिए। लेकिन कहते अगर भगवान की कथा हो ना और नींद आ जाती है भगवान की कथा में नींद आ जाती है। इसलिए पहला जो चीज है बोले लय। लय मतलब होता है सोना। दूसरा है विक्षेप। विक्षेप का मतलब होता है, अब देखना भले ही सिनेमा में उल्टा सीधा चीज तीन तीन घंटा आग फाड़ फाड़ कर देखते रहेगी तीन तीन घंटा हाँ आग फाड़ फाड़ कर बैठ रहेंगे। अगर आप देखना जब गुरु जी के मंत्र आप जप कर रहे हो, ठाकुर का नाम जप कर रहे हो, अब 10-15 मिनट बैठ जाओ, बोले माला खत्म नहीं हो रहा है ये खत्म कब होगा माला, ये रोटी ठंडा होते जा रहा है माला खत्म बार-बार निकाल कर देखेंगे ये माला और कितना बाकी है हाँ। इसलिए इसको कहते हैं विक्षेप। विक्षेप मतलब होता है भजन में बैठे तो मन चटपड़ चटपड़ करता है कब उठे कब उठे, कब से बैठे हुए कब खत्म नहीं हो रहा है, इसको कहते हैं विक्षेप। इसको कहते हैं और कहते हैं अभिनिवेश। अभिनिवेश का मतलब होता है जैसे भरत महाराज भजन के लिए बैठे हुए थे लेकिन उनका अभिनिवेश हो गया हिरण में, उनकी अभिनिवेश हो गया हिरण में, हिरण में होने के ना दूसरे जीवन में वो हिरण बन करके आए हैं। और जो पंचमा होता है रसास्वाद। रसास्वाद का मतलब है जैसे माला जप कर रहे हैं, हाथ भी चल रही है, जीवा भी चल रहा है, लेकिन जो मन है ना वो और किसी चीज का आनंद ले रहा है वो तो कहीं किसी दुकान में नहीं तो बंद दोस्तों के पास में गोलगप्पे दुकान में किसी होटल में चला गया, लेकिन माला यहाँ हरे कृष्ण ये चले, लेकिन जो मन है ना दूसरे चीज का रस आस्वादन कर रहा है, दूसरे चीज का आनंद ले रहा है, इसको कहते रस आस्वाद है। इसलिए यहाँ पर कह रहे जब तक मन एकाग्र नहीं हो ना ये भजन का फल भी उसको नहीं मिलता है, है? इसलिए कहते काय मन और वाक्य से। वाक्य से मतलब कथा सुनो, दूसरों को भी जाकर सुनाओ। आज हमने भगवान की कथा सुने, ठाकुर की ये कथा सुने, आज भक्तों का चरित्र सुने। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं ना अपना भक्त का लक्षण, कृष्ण क्या कहते हैं बोले मत कथा मत गता चिंता बद्धयन्ते परस्परम कथयंती च माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च। कृष्ण खुद कहते हैं मेरे भक्त का ये लक्षण है मत कथा, कहीं अगर मिलेंगे तो मेरी कथा बोलते हैं, मत गता चिंता मेरे को छोड़कर और कोई दूसरे चिंता नहीं करते, बोधयंते परस्परम जब किसी व्यक्ति से मिलते हैं केवल मेरी कथा बोलते रहते हैं, तो संती चरमंती तो यही इनका जीवन ही है, उनका जीवन ही यही उनका है। हाँ इसलिए इन्होंने जब ये बात को बताई बोले भैया
बिनु सतसंग विवेक ना होई राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। जब उनने साधु संघ की महिमा बताई सन्मुख रीतम भवद्य वार्ताम स्थाने स्थिताम। स्थाने स्थिता मतलब होता है अगर किसको भक्ति करने के लिए बोलो ना, बोले अभी समय नहीं आया, अभी तो लिखाई पढ़ाई करना, नौकरी चाकरी करना, बच्चे होएंगे, शादीशुदा रिटायर लाइफ में भजन कर लेंगे। बोले नहीं, ठाकुर जी हमें जिस स्थिति में ठाकुर जी हमें रखे, जिस स्थिति में हमारा कल्याण है ठाकुर हमें वही अवस्था में रखे हैं। आगे अगर बढ़िया स्थिति आएगा भक्ति को द्वारा आएगा, ऐसे नहीं आ जाएगा। और जिस स्थिति में हमारा कल्याण ठाकुर हमें उसी स्थिति में रखे, ये सोच करके हाँ बस संतों का चरण में रहते हुए क्या करो भगवान की भक्ति कर। स्थान स्थित श्रुति गताम जे प्रायश, अगर ऐसे अगर कोई कथा सुने साधु संघ में कथा सुने, बोले भगवान अजीत होने पर भी वो भक्ति को द्वारा जीत जाते, भगवान को भी कंट्रोल कर लेते। बोले कैसे? बोले साधु संघ से। जब उन्होंने इतनी बात महापुरुष सुनने खुश हो गए, महापुरुष को सुनकर बोले बोले अभी तुम लाइन में आ गए हो, अभी तुम सही लाइन में। क्यों लाइन क्यों? बोले कारण है साधु संघ, साधु संघ सर्वशास्त्र कहे लव मात्र साधु संघ सर्व सिद्धि आए। जब तक हमें साधु संघ नहीं मिलेगा तब तक जीव का कोई भी कल्याण की कोई उपाय नहीं। इसलिए रघुगण महाराज हैं श्री भरत रघुगण को कह रहे, बोले रघुगण न तपस्या न जाति न इज्जा न निर्वाप न गृहत्वा नैव छंदसा नैव जलाग्नि बिना महत पदोर जभिषेकम्। बोले जब तक किसी महत व्यक्ति की चरण की शरण नहीं लेते हो रघुगण न तपस्या। कोई बोले अरे तपस्या को द्वारा हम भगवान को पा लेंगे, बोले भैया तपस्या से ठाकुर नहीं मिलते। न जाति, बोले हम इतने बड़े ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हमें नहीं होगा, बोले भैया जाति से नहीं मिल सकता है। न इज्जा, हम दिन भर पूजा पाठ कर रहे, बोले उससे भी नहीं होगा। न निर्वाप न गृहत्वा, किसने बोला हमने घर द्वार सब छोड़ दिए, बोले उससे भी नहीं होगा। नहीं वो जलाग्नि, जल अग्नि को तीन बार पूजा कर रहे हैं, बोले उससे भी नहीं होगा। बोले फिर होगा कैसे? बोले होगा जब हम किसी शुद्ध भक्तों का चरण आश्रय ग्रहण करेंगे, भक्तों का संग करेंगे। प्रहलाद महाराज भी एक ही बात कहते हैं, नैसांग मतिस्तावत उरो क्रमांग्री स्पिशर्थ अनर्थ अपगबम जदर्थ। बोले भैया जब तक इसे निष्किंचन भक्तों को शरण में नहीं जाओगे तब तक ये मति कभी ठाकुर जी के चरण में लग नहीं सकती, ये मति लग ही नहीं सकती है जब तक हम किसी शुद्ध भक्तों का संग नहीं करेंगे। इसलिए हर शास्त्र कहता है साधु संग साधु संग सर्वशास्त्र कहे। इसलिए जब उन्होंने ये बात बताई महाप्रभु खुश हो गए, बोले नहीं अभी तो लाइन में आ गए हो। तब महाप्रभु यहीं पर अभी तो कर रहे थे बाह्य, लेकिन जब यहीं पर आए ना महाप्रभु बोले हाय, बोले हाँ ठीक है, बोलो इसको इसका आगे बोलो, अभी तो साधु संघ हो गया ना। बोले साधु संघ को तो हमें मिलेगा क्या? हाँ साधु संघ तो कर लिया साधु, फिर आगे तो कुछ होनी चाहिए ना, साधु संघ को द्वारा क्या होनी चाहिए। फिर धीरे 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 वो बात बता रहे, फिर इसको हम परसों सुनेंगे ठीक है, हम इसको परसों सुनेंगे ठीक है। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्ण। ठाकुर जी आरती करेंगे ना, ठाकुर जी आरती हो ना। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Radhe Radhe Govinda, Govinda Radhe, Radhe Radhe Govinda, Govinda Radhe, Radhe Radhe Govinda, Arati Kondale Govinda, Radhe Radhe Govinda, Govinda Radhe, Balaradhe Radhe Govinda, Govinda Radhe, Radhe Radhe Govinda, Govinda Radhe, Balaradhe Radhe Govinda, Govinda Radhe, Radhe Radhe Govinda, Govinda Radhe, Radhe Radhe Govinda, Govinda Radhe, Radhe Radhe Govinda, Govinda Radhe, Hari Bol Hari Bol, Hari Bol Hari Bol, Hari Bol Hari Bol. Hari 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 Bol, Hari 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 Bol, Hari Bol Hari Bol, Hari Bol Hari Bol, Hari 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 Bol, Hari 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 Bol, Hari Bol Hari Bol, Hari Bol Hari Bol, Hari 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 Bol, Hari 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 Bol, Hari Bol Hari Bol, Hari Bol Hari Bol. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Itai Gaur, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Itai Gaur, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaur Premanande Hari. Hari Bol Hari Krishna. Hiva Jaya Jaya Gora Chandir Arati Ko Sobha. Piche piche koi gao. Hiva Jaya Jaya Gora Chandir आरती को शोभा जानवी तट बनेर जग मन लोभा जानवी तट बनेर जग मन लोभा आ जग जनी मन लोभा जग जनेर मन लोभा आय गौरंगेरा रति शोभा जग जनेर मन लोभा 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 इतै गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल इतै गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल दखीने नीताई चार बामी गदाधारा दखीने नीताई मृदंग का आवाज तेज कर दो उसका मृदंग का आवाज तेज कर दो नीकाटे अद्वैत श्री नीना
বাস ছাত্র ধারিকাটে অগৈত শ্রী বাস ছাত্র ধার কি বাবসি আছে গোরা চাঁদ রত্ন সিংহ সরে কি বাবসি আছে গোরা রাধা সিং দশারে বলো আরতি করে না ব্রহ্মা আদি দেব গানে আরতি করে না ব্রহ্মা আদি দেব গানে আ দেব গানে আ রতি করে দেব গানে আ রতি করে আ গৌরাঙ্গেরা রতি কালে দেব গানে আ রতি করে গৌরাঙ্গেরা রতি করে দেবায়াতে রতি করে আমায় দয়া কর বলে রতি করে আমার বলে দেবানে রতি নিতাই গৌর হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল নিতাই গৌর হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল নরহরি আদি করে চামর ঢোলায় নরহরি আদি করে চামর ঢোলা কি বানরা আ হরি আদি করে চামর ঢোলায় কি হরি আদি করে চামর ঢোলায় মুকুন্দ বাসু ঘোষায়দি গায় শঙ্খ বাজে ঘণ্টা বাজে বাজে কর তাল শঙ্খ বাজে ঘণ্টা বাজে বাজে কর তাল মধুরা মৃদঙ্গ বাজে পরমারসাল মধুরা মৃদঙ্গ বাজে পরমারসাল আ মধুর 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 বাজে মধুর 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 বাজে শঙ্খ ঘণ্টা ফুল কর তাল মধুর 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 বাজে ঘণ্টা ফুল কর তাল মধুর 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 গৌরাঙ্গের আরতি কালে মধুর 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 বাজে গৌরাঙ্গের আরতি কালে মধুর 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 বাজে তাই গৌর হরি বল 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 বহুকোটি চন্দ্রজিনী বদন উজ্জ্বল বহুকোটি চন্দ্রজিনী বদন উজ্জ্বল বহুকোটি চন্দ্রজিনী বদন উজ্জ্বল বহুকোটি চন্দ্রজিনী বদন উজ্জ্বল ওরা কল দেশে বনমালা করে ঝলমালা কল দেশে বনমালা করে ঝলমাল ঝলমাল ঝলমল করে ঝলমল ঝলমাল ঝলমল করে আর গৌর গলে বনা ফুলের মালা মালা ঝলমল ঝলমাল ঝলমল করে গৌর গলে বনা ফুলের মালা ঝলমল ঝলমাল ঝলমল করে গদাধারের গদা মালা
झलमल 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि शिव चुक नारद प्रेम गद गदा शिव चुक नारद प्रेम गद गदा शिव चुक नारद प्रेम गद गदा शिव सुख नारद प्रेम गद गदा भक्ति विनोद देखे गोरा रसंपदा भक्ति विनोद देखे गोरा रसंपदा जय जय राधा कृष्ण जुगल मिलाना जय जय राधा कृष्ण जुगल मिला जय जय राधा कृष्ण जुगल मिलाना जय जय राधा कृष्ण जुगल मिला आरती कराए ललिता जी सखी गाना आरती करोए ललिता जी सखी गाना मदन मोहन रूप त्रिभंग सुंदरा मदन मोहन रूप त्रिभंग सुंदर पीताम्बर सिखी पूज चूड़ा मनोहर पीताम्बर सिखी पूज चूड़ा मनोहर ललित माधव भावे पृष्ठ भानु कन्या ललित माधव भावे पृष्ठ भानु कन्या नील वसन गौरी रूपे गुण धना नील वसन गौरी रूपे गुण धना नाना विध अलंकार करे झलमला नाना विध अलंकार करे झलमला हरि मन विमोहन बदन उज्जवल हरि मन विमोहन बदन उज्जवल विशाखा दी सखी गण नाना राग गाए विशाखा दी सखी गण नाना राग गाए प्रिय नर्म सखी जत चामर धुलाए प्रिय नर्म सखी जत चामर धुलाए श्री राधा माधव पद सरसी जया से मधो पद सरसी आशे भक्ति विनोद सखी पद सुख भासे भक्ति विनोद सखी पद सुख जय जय राधा रमण हरि बोल 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 जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल 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 जय जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 जय जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे अनिताई निताई निताई गौरांग निताई 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 गौरांग निताई 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 गौरांग निताई 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 गौरांग नीताई गौरंग जय नीताई गौरंग नीताई गौरंग जय
सच्चिदानंद जय गौर हरि जय सच्चिदानंद जय गौर हरि जय सच्चिदानंद जय गौर हरि सच्चिदानंद जय गौर हरि हरि बोल हरि बोल बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि hari bol hari bol hari 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 bol hari 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 bol hari bol hari bol hari bol hari bol sri radhe gopal bhaj man sri radhe gopal bhaj man sri radhe sri radhe gopal bhaj man sri radhe sri radhe Sri Radhe, Sri Radhe Gopal, Bhajman Sri Radhe, Sri Radhe Gopal, Bhajman Sri Radhe, Sri Radhe Jaya Jaya Radhe, Sri Radhe Jaya Jaya Radhe, Jaya Jaya Radhe, Jaya Radhe, Jaya Jaya Radhe, Jaya Jaya Radhe. Jaya Jaya Radhe Jaya 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 Radhe 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 Hari bol 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 Hari 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 bol Hari 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 bol Hari bol Hari bol Hari bol Hari bol Hari 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 bol Hari 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 bol Hari bol Hari bol Hari bol Hari bol Hari bol Hari 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 bol Hari 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 bol Hari bol Hari 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 bol 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 Hari 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 bol 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 Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda Bhaja Shri Krishna Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्त वृंद भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Ram Ram Hari Hari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hari Hari Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Nitai Gauranga Jaya, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga Jaya, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga Jaya, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga Jaya, Nitai Gauranga. Nitai 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 Gauranga Nitai 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 Gauranga Nitai 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 Gauranga Nitai Nitai Gauranga Nitai Gauranga Jaya Nitai Gauranga Gauranga Jaya Nitai Gauranga Bola Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Bola Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Bola Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Bola Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare हाँ हरे कृष्ण हम दूसरे तरह से नाचेंगे दूसरे तरह का नाचेंगे बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे जय हो बोला हरे राम 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 हरे हरे बोला हरे राम 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 हरे हरे बोला हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे बोला हरे राम 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 हरे हरे बोला हरे राम 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 हरे हरे हरि बोल 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 हरि 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 बोल हरि 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 बोल 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 हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल और नित्यानंद बोल हरि बोल हरि बोल और नित्यानंद बोल हरि बोल हरि बोल गौर गदाधर बोल हरि बोल हरि बोल गौर गदाधर बोल हरि बोल हरि बोल गौर श्री अद्वैत बोल हरि बोल हरि बोल श्री अद्वैत बोल हरि बोल हरि बोल गौर श्रीनिवास बोल हरि बोल हरि बोल श्रीनिवास बोल हरि 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 बोल हरि 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 बोल श्री राधे गोपाल भजमन श्री राधे गोपाल भजमन श्री राधे जय जय राधे 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 राधे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि
hari bol hari 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 bol 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 hari 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 bol 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 hari 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 bol 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 hari 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 bol hari 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 bol 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 hari 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 bol hari 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 bol 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 hari 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 bol hari bol hari bol hari bol hari 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 bol hari 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 bol 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 hari 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 bol hari 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 bol hari bol hari bol hari bol hari bol hari 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 bol hari bol hari bol bol hari bol Nitai Gauru Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gauru Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gauru Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gauru Hari Hari Bol Hari Bol Hari Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol 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 Hari 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 Bol Hari 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 Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari 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 Bol Hari Bol Hari Hari Bol Hari Bol Hari 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 Bol Hari 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 Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari 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 Bol Hari 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 Bol 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 Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol 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 Hari Bol Hari Bol Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bol Jai Shri Shri Guru Gauranga Gandhari Ka Giridhare Radha Govinda Juki Jai Radha Gopina Juki Jai Radha Shyam Sundari Jai Radha Raman Juki Jai Radha Binod Bihari Juki Jai Nitala Prashna Mishpad Satra Shri Shrimad Bhaktivedanta Nayan Goswami Maharaj Ki Jai Nitala Prashna Mishpad Satra Shri Shrimad Bhaktivedanta Bam Goswami Maharaj Ki Jai Nitala Prashna Mishpad Satra Shri Shrimad Bhaktivedanta Trika Maharaj Ki Jai Nitala Prashna Mishpad Satra Shri Shrimad Bhaktivedanta Govinda Goswami Maharaj Ki Jai
नित्य लीला परिश्रम इष्टपाद अस्तर श्री श्रीम भक्ति वेदांत स्वामी महाराज की जय। नित्य लीला परिश्रम इष्टपाद अस्तर श्री श्रीम भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला परिश्रम इष्टपाद अस्तर श्री श्रीम भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला परिश्रम इष्टपाद अस्तर श्री श्रीम भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला परिश्रम इष्टपाद अस्तर श्री श्रीम भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। श्री गोकिशोर दास बाबूजी महाराज की जय। सच्चिदानंद भक्ति नाथ ठाकुर की जय। वैष्णव सर्वगम श्री जगन्नाथ दास बाबूजी महाराज की जय। श्री गौरी वेदांत चार्य शिल देवी विभूषण प्रभु की जय। श्री नारतम श्रीनिवास श्याम आनंद कार्य की जय। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टास रघुनाथ सद गोस्वामी प्रभु की जय। श्री स्वरूप दामोदर राय रमन गौर पार्षद विंद की जय। नामाचार्य शैलेश ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि श्री गौर भक्त विंद की जय। श्री अंत द्वीप माया पुरुष मंत द्वीप गोद द्वीप मध द्वीप कौल द्वीप रुत द्वीप जन द्वीप मधुम द्वीप रुद्रात्मिक नवदीप धाम की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपी गो गोवर्धन द्वादश मंडल की जय। श्री श्याम कुंद राधा कुंद गंगा देवी भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। सर्व विष्णु प्रदाता गिरिराज महाराज की जय। सर्व विघ्न विनाशय श्री नरसिंह देव भगवान की जय। भक्त पार्श्वनाथ महाराज की जय। चार संप्रदाय चाराचार्य चार धाम की जय। श्री श्री दशगोर स्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव विंद की जय। समग्र भक्त विंद की जय। गो प्रमानंदे हरि हरि गो। ओम वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवाय सचन कृष्ण भक्ति व्रज देवी सत्यताय नमो नमः। तुलसी महारानी की जय। वंशकल्पत्रिभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।